हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ऑडियोबर्स री इंकारनेशन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट वर्ल्ड गॉड चैप्टर एक 1600 टू एक अथर्व के कॉल काटने के बाद एकवा रोज ने अपने सामने वाली काली स्क्रीन को स्तब्ध खामोशी से देखा स्वर्ग के दफन के सदस्यों पर उनके इनाम को बढ़ाने के लिए कहना आसान था लेकिन करना आसान था अतिरिक्त खर्च आसानी से हजारों सोने तक पहुंच जाएगा गिल्ड ने जीरो सिटी से काफी पैसा कमाया वर्तमान में इसने अकेले प्रवेश शुल्क के माध्यम से पांच हज़ार से अधिक स्वर्ण अर्जित किए हालांकि स्वर्ग के दफ़न के साथ संघर्षण के युद्ध के कारण जीरो विंग ने सिरों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया जब तक गिर को अतिरिक्त एक लाख स्वर्ण प्राप्त नहीं होता तब तक वह स्वर्ग के दफ़न पर इनाम को दोगुना नहीं कर सकता था वास्तव में उन्हें और एक लाख सोना कहाँ से मिलना चाहिए था बिग सिस एकवा क्या हम वास्तव में इनाम को दोगुना करने जा रहे हैं याया ने एकवा रोज़ के पास से सावधानी से पूछा जीरो विंग के पास आपात स्थिति के लिए केवल बीस हजार से थोड़ा अधिक सोना अलग रखा गया था यदि वे इन निधियों का उपयोग करते हैं तो गिड और भी अधिक अनिश्चित स्थिति में होगा यदि कुछ अप्रत्याशित होता है घोषणा करें एकवा रोज ने एक गहरी शक्तिहीन आह भरते हुए कहा यहां तक कि अगर हम इनाम नहीं बढ़ाते हैं तो गिर्ड वेयरहाउस में शीर्ष स्तरीय उपकरणों का हमारा शेष स्टॉक लंबे समय तक नहीं टिकेगा यदि हम बाउंटी नहीं बढ़ाते हैं तो हम केवल अपने स्टॉक को नष्ट कर देंगे यदि हम किसी भी तरह से अभिशप्त हैं तो हम इसे स्वर्ग के दफन और ब्लैकवाटर के साथ समाप्त कर सकते हैं जिसके बाद याया ने स्टारमून किंगडम के आधिकारिक मंचों पर बढ़ा हुआ इनाम पोस्ट किया जैसे ही यह खबर फैली इसने स्टारमून किंगडम के प्रत्येक खिलाड़ी का ध्यान आकर्षित किया याया की पोस्ट को तुरंत एक मिलियन से अधिक बार देखा गया क्या जीरो विंग वास्तव में इसे स्वर्ग की कब्र से लड़ने की कोशिश कर रहा है इसने वास्तव में हेवंस बरियल की अगुवाई की और इसके इनाम को दोगुना कर दिया ऐसा लगता है कि जीरो विंग आखिरकार गंभीर हो रहा है हेवंस बरियल को ब्लैक वाटर का समर्थन प्राप्त है इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि गिल्ड के पास भारी मात्रा में धन होगा लेकिन जीरो विंग ने इतना पैसा कैसे हासिल किया हो सकता है कि जीरो विंग अंतिम संघर्ष कर रहा हो स्वर्ग के दफन को डराने की कोशिश कर रहा हो मैंने जो सुना है उसके आधार पर ब्लैकवाटर ने स्वर्ग के दफन में मदद करने के लिए विशेषज्ञों का एक समूह जुटाया और गिल्ड को अतिरिक्त दो सौ शून्य 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 सोने की पेशकश की प्राचीन रॉक सिटी से होने वाली आय के साथ जीरो विंग धन के मामले में स्वर्ग के दफन को कैसे हरा सकता है वास्तव में मैंने सुना है कि प्राचीन रॉक सिटी के खिलाड़ियों की संख्या पहले ही छह शून्य 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 से अधिक हो चुकी है हालांकि हेवंस बरियल प्रवेश शुल्क नहीं ले रहा है फिर भी यह मरम्मत और आवास शुल्क के माध्यम से बहुत पैसा कमा रहा है वे एक दूसरे पर अपनी अनुकंपा बढ़ाएं जितना ऊंचा उतना अच्छा इस तरह मैं अपना माउंट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा कमा सकता हूं जनता की नजर में स्वर्ग के दफन के साथ युद्ध में जीरो विंग भारी नुकसान में था और फिर भी सभी ने युद्ध का जश्न मनाया यह हर दिन नहीं था कि खिलाड़ियों के पास पैसे कमाने का इतना सुनहरा मौका होता ओआरसी साम्राज्य प्राचीन रॉक सिटी में स्वर्ग का दफन निवास गिल्ड लीडर सिंगुलर ऐसा लगता है कि जीरो विंग का बजट भी काफी है क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपको कोई समस्या नहीं होगी ली जिंगयान अपनी भौहें रोक नहीं सका क्योंकि उसने जीरो विंग की नवीनतम फॉरम पोस्ट पढ़ी जितनी जल्दी हो सके जीरो विंग की ताकत को कम करने के लिए स्वर्ग के दफन ने गिल्ड के अन्य सदस्यों पर अपना इनाम दोगुना कर दिया था इससे उनके द्वारा भुगतान किए जाने वाले इनामों की संख्या कई गुना बढ़ गई प्रत्येक दिन उन्हें लगभग साठ हज़ार स्वर्ण उपहारों के रूप में देने पड़ते थे यह प्राचीन रॉक सिटी की कई दिनों की आय के बराबर था जनता ने जो सोचा उसके बावजूद स्वर्ग का दफन उतना सुरक्षित नहीं था जितना कि लग रहा था यंग मास्टर ली निश्चिंत रहें मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं कि जीरो विंग क्या करने में सक्षम है गिल्ड में मेरे जासूसों की रिपोर्ट के आधार पर जीरो विंग के पास ज्यादा पैसा नहीं बचा है यह पहले से ही अपने वर्तमान व्यय को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है यह केवल जीरो विंग की अवहेलना का अंतिम कार्य है सिंगुलर ब्यूरियल ने कहा विशेष रूप से यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ कि जीरो विंग ने अपने इनाम को दोगुना कर दिया है मैंने ब्लैकवाटर के साथ भी एक समझौता किया है न केवल उन्होंने स्वर्ग के दफन में दो सौ शून्य 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 सोने का निवेश किया है बल्कि वे बाद में और तीन सौ शून्य 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 सोना भेजने का भी इरादा रखते हैं जीरो विंग को कुचलने के लिए पांच सौ हजार सोने के सिक्के काफी हैं इसके अलावा हमने ओआरसी साम्राज्य में एक नई माइन भी खोजी है उस खदान में एक मैजिक आयरन नस और मैजिक क्रिस्टल बनाने का एक निश्चित मौका है जब तक हम खदान पर कब्जा कर लेते हैं तब तक जीरो विंग को ड्रैगन फिनिक्स पैवेलियन का पूरा समर्थन हासिल होने पर भी हमें मात देने की कोई उम्मीद नहीं है मैजिक आयरन की नसें उन कुछ अयस्क नसों में से एक थीं जो मैजिक क्रिस्टल का उत्पादन करती थीं और नस हेवन की दफ़न की खोज प्राचीन रॉक सिटी से केवल एक दर्जन या इतने घंटे की पैदल दूरी पर थी हालांकि अन्य महाशक्तियों ने भी शिरा की खोज की थी उनके गिल्ड टाउन बहुत दूर थे परिणाम स्वरूप ये महाशक्तियां स्वर्ग की समाधि का मुकाबला नहीं कर सकी मुझे लगता है आप सही हैं लेकिन एहतियात के तौर पर हमें अपनी समय सारिणी बढ़ानी चाहिए अन्य महाशक्तियों ने पहले से ही मैजिक आयरन वेन में रुचि दिखाई है और हालांकि हमारे पास इलाके का लाभ है फिर भी वेन को सुरक्षित करना आसान नहीं होगा लेरी जिंग्यायान ने सहमति में सिर हिलाया वह सोचने लगा था कि हो सकता है कि उसने जीरो विंग को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया हो हालांकि जीरो विंग शक्तिशाली था लेकिन गिर्ड के पास एक बड़े निगम का समर्थन नहीं था यह अपनी शक्ति पर निर्भर था इस बीच व्हाइट रिवर्सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में जैसे ही अथर्व ने इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक विशेष फोर्जिंग रूम में प्रवेश किया उसने मिलानचोलिक स्माइल और लगभग एक सौ अन्य उन्नत फोर्जर्स को उसकी प्रतीक्षा करते देखा गिर्ड लीडर मैंने गोदाम से आपके द्वारा मांगी गई सभी सामग्रियों को वापस ले लिया है कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म भी थोक में सामग्री खरीद रही है मेलांचोलिक स्माइल ने विशेष फोर्जिंग रूम के चारों ओर ढेर विभिन्न सामग्रियों की ओर इशारा करते हुए अथर्व से संपर्क किया मेलांचोलिक ने स्पेशल फोर्जिंग रूम में जो सामग्री इकट्ठी की थी वह विजेता के कवच को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री के अलावा और कोई नहीं थी विजेता के कवच की उत्पादन प्रक्रिया अत्यधिक जटिल थी विभिन्न प्रक्रियाओं में सबसे अधिक समय लेने वाली प्रगलन और सामग्री शोधन थे सौभाग्य से इन कार्यों को जालसाजों द्वारा पूरा किया जा सकता था जिन्होंने विजेता के कवच फोर्जिन डिजाइन को नहीं सीखा था यही कारण था कि अथर्व ने इन जालसाजों को सहायता के लिए बुलाया था इसके साथ वह काफी समय की बचत करते हुए विजेता के कवच को गढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था हालांकि जब अथर्व ने सामग्री की शुद्धता पर विचार किया तो उसने फैसला किया कि यह सबसे अच्छा होगा अगर वह प्रगलन और शोधन को उन्नत फोर्जर्स पर छोड़ दे अच्छा अभी आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अभी के लिए होल्ड पर रख दें मुझे इन सामग्रियों को गलाने के लिए आप सभी की आवश्यकता है अथर्व ने एडवांस्ड फोर्जर्स को संबोधित किया फिर वह उदास मुस्कान की ओर मुड़ा और पूछा इस समय चंद्र औषधि का बाजार कैसा है चंद्र औषधि मेलांचोलिक स्माइल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हालांकि लूनर पोषण आम है लेकिन खंडहरों की खोज करने वाले खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि के कारण मांग आसमान छू गई है फिर भी मूनलाइट फ्लावर लूनर पोषण की मुख्य सामग्री काफी दुर्लभ है नतीजतन चांदनी फूल के बाजार मूल्य में भारी वृद्धि हुई है अब प्रत्येक फूल छह चांदी में बिकता है चंद्र औषधि के लिए यह बारह चांदी के लिए बेचा जाता है हालांकि हमने चंद्र औषधि बनाने के लिए फूलों को खरीदने की कोशिश की है लेकिन हमने अब तक केवल दो हजार से कुछ अधिक बोतलें तैयार की हैं विभिन्न बड़े मंडलों को तत्काल चंद्र औषधि की आवश्यकता थी लेकिन मूनलाइट फ्लावर की दुर्लभता के कारण बड़ी मात्रा में प्राप्त करना असंभव था तथ्य यह है कि कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म ने दो से अधिक चंद्र औषधि का भंडार जमा किया था प्रभावशाली था तो यह अंत में शुरू हो गया है अथर्व मुस्कुराया मूनलाइट फ्लावर की कीमत पहले से ही उसकी अपेक्षा से अधिक थी जिसके बाद उन्होंने अपने एपिक स्पेशियल बैग और स्पेस्टाइम हर्ब गार्डन में संग्रहित किए गए चांदनी फूलों को पुनः प्राप्त किया इन्हें लूनर पोर्षण बनाने के लिए उपयोग करें और अभी के लिए उन्हें बेच दें हमारे मौजूदा संकट से निपटने के लिए सारा पैसा एकवा को भेजें अथर्व ने इसे प्राप्त करने के बाद से चांदनी फूल उगाने के लिए स्पेस्टाइम हर्ब गार्डन का उपयोग किया था हर्ब गार्डन की जीवित रहने की दर में वृद्धि के साथ उसके द्वारा लगाए गए मूनलाइट फ्लावर्स की जीवित रहने की दर पच्चीस थी नतीजतन प्रत्येक फसल ने लगभग पंद्रह हजार चांदनी फूलों को शुद्ध किया उन्होंने पहले ही कुल मिलाकर तीन सौ पचास शून्य 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 से अधिक एकत्र कर लिए थे चूंकि प्रत्येक ढेर में एक सौ फूल थे उसके पास चांदनी के फूलों की तीन हजार पांच सौ इक्कीस ढेरियां थीं जब उदास मुस्कान ने चांदनी के फूलों के ढेर देखे तो अथर्व ने प्रकट किया उसका जबड़ा गिरा बाजार से कुछ दर्जन मूनलाइट फ्लावर खरीदना काफी मुश्किल था फिर भी अथर्व ने अपने बैग से तीन हजार ढेर खींच लिए थे लगभग उसे भर रहे थे अगर वे इन सभी चांदनी के फूलों का इस्तेमाल लूनर पोषण बनाने के लिए करते हैं तो वे निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाएंगे अथर्व के निर्देश प्राप्त करने के बाद मेलांचोलिक स्माइल ने तुरंत स्पेशल फोर्जिन रूम छोड़ दिया और कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में प्रत्येक उन्नत अल्केमिस्ट से संपर्क किया लूनर पोषण के बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने का आदेश दिया उसी समय मेलांचोलिक स्माइल ने ट्रेडिंग फर्म के गोदाम से भंडारित चंद्र औषधि को पुनः प्राप्त किया और उसके अधीनस्थों ने उन्हें ज़ीरो विंग के उन्नत नीलामी घर और व्हाइट सिटी के नीलामी घर में बेच दिया इसके अलावा उसने कुछ अन्य खिलाड़ियों को औषधि बेचने के लिए ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य और अन्य राज्यों में भेजा ऐसा करने से न केवल वे चंद्र औषधि को जल्दी से बेच सकते थे बल्कि वे बाज़ार मूल्य भी बनाए रख सकते थे इस बीच कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के विशेष फोर्जिंग रूम में से एक में अथर्व ने पारस पत्थर निकाला जिसे उसने पहले अपने निजी गोदाम से प्राप्त किया था और माना बैरियर क्रिस्टल फ्रैग्रेंस से मन बैरियर क्रिस्टल को संश्लेषित करना शुरू किया अथर्व ने विश्व शिखर सम्मेलन की अपनी नवीनतम यात्रा से कुल पैंतालीस मन बैरियर क्रिस्टल के टुकड़े प्राप्त किए थे यदि उसके पास एनपीसी कीमियागर उसके लिए मन बैरियर क्रिस्टल को संश्लेषित करने में मदद करते तो उनके पास केवल चालीस सफलता दर होती और प्रत्येक प्रयास के लिए दस क्रिस्टल टुकड़ों की आवश्यकता होती वह दो मन बैरियर क्रिस्टल के साथ समाप्त होने के लिए भाग्यशाली होगा दूसरी ओर स्टोन ने 100 परसेंट संश्लेषण सफलता दर प्रदान की हालांकि कुछ अप्रत्याशित और चौंकाने वाला हुआ जब अथर्व ने क्रिस्टल के टुकड़ों के पहले बैच को संश्लेषित किया पारस पत्थर में केवल पांच क्रिस्टल के टुकड़े रखने के बाद उसके सामने मेज पर एक पूर्ण माना बैरियर क्रिस्टल दिखाई दिया क्या मुझे एक पूर्ण क्रिस्टल बनाने के लिए केवल पांच क्रिस्टल के टुकड़े चाहिए मेज पर मन बैरियर क्रिस्टल को घूरते हुए अथर्व चकित रह गया यदि उसे केवल पांच क्रिस्टल अंशों की आवश्यकता होती तो वह नौ पूर्ण मैना बैरियर क्रिस्टल को संश्लेषित कर सकता था इस बीच व्हाइट रिवर्सिटी के टेलीपोर्टेशन हॉल में टेलीपोर्टेशन सरणियों को प्रत्येक सक्रियण के लिए पांच मैजिक क्रिस्टल की आवश्यकता थी इसलिए उन्हें सामान्य रूप से काम करने के लिए पांच माना बैरियर क्रिस्टल की भी आवश्यकता होगी तत्वों के टेलीपोर्टेशन फंक्शन के चार टावरों के लिए इसे केवल तीन मैजिक क्रिस्टल की आवश्यकता थी मूल रूप से अथर्व ने टेलीपोर्टेशन फंक्शन को सक्रिय करने की योजना बनाई थी जब उन्होंने पर्याप्त मैना बैरियर क्रिस्टल एकत्र कर लिए थे आखिरकार जीरो विंग की वर्तमान मैजिक क्रिस्टल आय के साथ टेलीपोर्टेशन सरणियों की खपत को बनाए रखना असंभव था हालांकि अब ऐसा लगेगा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं थी सौभाग्य से वह नौ मैना बैरियर क्रिस्टल का परस्पर उपयोग कर सकता था इसके अलावा माना बैरियर क्रिस्टल की स्वपुनर्प्राप्ति क्षमता के अलावा प्रत्येक माना बैरियर क्रिस्टल में 100 मैजिक क्रिस्टल के रूप में अधिक मान होता है अथर्व ने तुरंत मेलान्चोलिक स्माइल से संपर्क किया और उससे एक बार रोज को संश्लेषित क्रिस्टल और तत्वों के चार टावरों के टेलीपोर्टेशन कार्यों को सक्रिय करने के लिए एक संदेश भेजा माना बैरियर क्रिस्टल के साथ समाप्त होने के बाद अथर्व ने कॉन्करा के आर्मर फोर्जिंग डिज़ाइन को निकाला और अध्ययन करना शुरू किया बुनियादी फोर्जिंग डिज़ाइनों के विपरीत खिलाड़ी एक बटन के क्लिक के साथ उन्नत फोर्जिंग डिज़ाइन नहीं सीख सकते थे उन्नत फोर्जिंग डिज़ाइनों में विशेष फोर्जिंग तकनीकें और मैजिक एरे भी शामिल हैं खिलाड़ियों को इन सभी विवरणों को स्वयं सीखने की आवश्यकता थी यह बात वाकई जटिल है विजेता के कवच की उत्पादन प्रक्रिया को देखने के बाद अथर्व चकित रह गया यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अतीत में खिलाड़ियों को युद्ध सरणियों के साथ उपकरण बनाने के लिए इतना कठिन संघर्ष क्यों करना पड़ा तो युद्ध सरणियों को बनाने की प्रक्रिया में उन्नत मैजिक सरणियां शामिल हैं सौभाग्य से मैंने कॉन्करा के आर्मर के उत्पादन को कोको और अन्य लोगों पर नहीं छोड़ा अन्यथा कवच को तैयार करने में और भी अधिक समय लगेगा गॉड्स डोमेन में बेसिक मैजिक एरेज काफी जटिल थे और यहां तक कि विशेषज्ञों को भी उन्हें तैयार करने के लिए आवश्यक कौशल को समझने के लिए काफी समय की आवश्यकता थी कहने की जरूरत नहीं है इंटरमीडिएट मैजिक एरे और भी जटिल थे नहीं तो अथर्व सीक्रेट सिल्वर रैंक की सीक्रेट टेक्निक टैबलेट को इस्तेमाल में लाने के बजाय गिल्ड के गोदाम में नहीं छोड़ता अब भी जीरो विंग के पास पर्याप्त खिलाड़ी नहीं थे जो इंटरमीडिएट मैजिक एरेज को आकर्षित कर सकें जीरो विंग के दौरान केवल अथर्व ही जानता था कि अब तक उन्नत मैजिक एरे कैसे बनाए जाते हैं बाकी सभी अभी भी उन्हें प्रभावी ढंग से आकर्षित करने में सक्षम होने से बहुत दूर थे सौभाग्य से आवश्यक उन्नत मैजिक एरे को आकर्षित करना बहुत मुश्किल नहीं है मुझे इसे कुछ घंटों में सीखने में सक्षम होना चाहिए अथर्व ने आवश्यक उन्नत मैजिक एरे की जांच के बाद राहत की सांस ली हालांकि वह पहले से ही उन्नत मैजिक एरे बना सकता था सरल और जटिल संस्करण थे अथर्व कुछ ही घंटों में सरल सारणिया बना सकता था लेकिन हो सकता है कि वह अपने वर्तमान मानकों के साथ एक जटिल उन्नत मैजिक एरे सीखने में सक्षम न हो यदि वह आवश्यक उन्नत जादू सरणी नहीं बना सका तो वह विजेता के कवच को बनाने में सक्षम नहीं होगा हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि जीरो विंग और हेवंस बरियल धन के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे वास्तव में ऐसा नहीं था असली प्रतियोगिता अभी भी संघ के विशेषज्ञों के बीच है स्वर्ग के दफन के साथ ले जिंडयांग की साझेदारी के कारण गिल्ड ने बहुत सारे विशेषज्ञ खिलाड़ियों की भर्ती की थी अब हेवंस बरियल को भी बड़ी संख्या में ब्लैकवाटर के विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त थी परिणामस्वरूप जीरो विंग और हैवेंस बरियल की शक्तियों के बीच का अंतर बढ़ गया था दुर्भाग्य से जीरो विंग के पास दुश्मन की भारी संख्या से निपटने के लिए पर्याप्त तीयर दो विशेषज्ञ नहीं थे भले ही अथर्व ने व्यक्तिगत रूप से हथियार उठा लिया हो स्थिति को बदलने के लिए वह बहुत कम कर सकता था लेकिन यह एक अलग कहानी होगी अगर जीरो विंग में विजेता का कवच होता यदि पांच संभ्रांत खिलाड़ी कवच पहनते हैं तो वे तुरंत विशेषज्ञ का दर्जा प्राप्त कर लेंगे वे साधारण विशेषज्ञ खिलाड़ियों से भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं यदि जीरो विंग अपने साधारण विशेषज्ञ खिलाड़ियों को कवच से लैस करता है और बेसिक स्ट्रेंथ बैटल एरे को सक्रिय करता है तो वे गिल्ड के पहले दर्जे के विशेषज्ञों की तरह मजबूत होंगे यदि सभी पांचों ने एक साथ काम किया तो वे एक साथ काम करने वाले पांच शोधन दायरे के विशेषज्ञों की तुलना में अधिक समग्र युद्ध शक्ति भी प्रदर्शित कर सकते हैं शोधन क्षेत्र के विशेषज्ञ सुपर गिल्ड्स में भी इस तरह के, के कैलिबर के विशेषज्ञ अमूल्य थे वर्तमान प्रथम श्रेणी के संघों में ऐसे विशेषज्ञ ताकत में शीर्ष पर होंगे जबकि अथर्व ने विजेता के कवच के उन्नत जादू सरणी का अध्ययन किया मेलांचोलिक स्माइल ने प्रत्येक चंद्र औषधि को विभिन्न साम्राज्यों और साम्राज्यों के नीलामी घरों में बिक्री के लिए हाथ में रखा उसने प्रत्येक स्थान पर केवल 100 बोतलें बेची न्यूनतम बोली 10 चांदी प्रति बोतल निर्धारित की जो बाजार मूल्य से थोड़ी सस्ती थी जब ये औषधि विभिन्न नीलामी घरों में सार्वजनिक हुई तो उन्होंने कई संघों और टीमों का ध्यान आकर्षित किया कोई वास्तव में इतने सारे चंद्र औषधि बेच रहा है कितना घटिया यह बेहतरीन है इन औषधियों के साथ हमारी टीम आख़िरकार हमें मिले प्राचीन खंडहर का पता लगा सकती है उत्साहित होकर खिलाड़ियों ने लूनर पोटेंशियल पर जमकर बोली लगानी शुरू कर दी वर्तमान सांसी टीमों और गिल्डों के लिए खंडहर अन्वेषण एक भाग्य बनाने का एक सुनहरा अवसर बन गया था लेकिन लूनर पोषण या कुछ इसी तरह के बिना अंधेरे खंडहरों की खोज करना परेशानी भरा था हर खंडहर का अपना जाल था और इन जालों को अंधेरे में ढूंढना खतरनाक था यदि खिलाड़ी इन जालों को चालू करते हैं तो एक विशेषज्ञ के नेतृत्व वाली टीम को भी गंभीर क्षति हो सकती है या उसका सफाया हो सकता है इन जालों को ट्रिगर करने के जोखिम की तुलना में लूनर पोषण की लागत कुछ भी नहीं थी आखिरकार खेल के इस चरण में खिलाड़ियों को खोए हुए स्तर को पुनर्प्राप्त करने के लिए कई दिनों की आवश्यकता होगी जैसे ही खिलाड़ियों ने नीलामी घरों में चंद्र औषधि की खोज की औषधि की कीमतें तेजी से आसमान छू गईं दस चांदी चालीस ताबा दस चांदी सत्तर ताबा ग्यारह चांदी बीस ताबा कुछ ही मिनटों के बाद औसत कीमत बारह चांदी पचास तांबे तक पहुंच गई थी इस बीच यह वृद्धि तो केवल शुरुआत थी अंत में कीमतों के सत्रह सिल्वर पचास कॉपर तक पहुंचने के बाद ही खिलाड़ियों ने लूनर पोषण के लिए चुनाव लड़ना बंद कर दिया यह पहले से ही मौजूदा बाजार मूल्य से कहीं अधिक था हालांकि प्रत्येक चंद्र औषधि सत्रह चांदी पचास तांबे के लिए नहीं बेची गई थी औस्तन उन्होंने सोलह चांदी चालीस तांबे या अधिक के लिए बेची थी प्रोसेसिंग फ़ीस काटने के बाद भी ज़ीरो विंग ने काफ़ी मुनाफ़ा कमाया अंत में मेलांचुलिक स्माइल ने अपने द्वारा बेचे गए 2000 लूनर पोशन से दो का एक बड़ा गोल्ड बनाया था सौभाग्य से उसने लूनर पोशन के लिए बाज़ार की मांग को बमुश्किल कम किया था एक राज्य में खिलाड़ियों की प्यास बुझाने के लिए 2000 हज़ार औषधि लगभग पर्याप्त नहीं थी कई राज्यों और साम्राज्यों की तो बात ही छोड़ दें चंद्र औषधि के पहले बैच के बिकने के बाद विभिन्न नीलामी घरों में कोई भी उपलब्ध नहीं था इस वजह से पछतावे ने उन खिलाड़ियों को तबाह कर दिया जो पोषण जीतने में नाकाम रहे थे बकवास चंद्र औषधि पहले ही बिक चुकी है मैं अभी यहां पहुंचा हूं तेरी की मुझे पता था कि मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए था अगर मैंने सिर्फ दो या तीन बोतलें खरीदी होती तो हमारी टीम के पास एक अभियान के लिए पर्याप्त होता कई खिलाड़ियों ने मान लिया था कि यूनर पोटेंशियल किसी गेड या ट्रेडिंग फर्म से आए थे आखिरकार कोई भी खिलाड़ी एक बार में एक सौ बोतलें नहीं बेच पाएगा अगर ऐसा होता तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि जल्द या बाद में एक और बैच नीलामी घरों में दिखाई देगा हालांकि आधे घंटे के बाद भी किसी ने भी कोई नया लूनर पोषण पोस्ट नहीं किया था इस बीच मेलाचोलिक स्माइल जो वर्तमान में कैंडललाइट ट्रेडिंग फर्म में थी उत्साहित थी खिलाड़ी जिस गति से औषधियां खरीद रहे हैं वह वास्तव में भयावह है इससे हमें थोक में औषधि बेचने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी जब मेलांचोलिक स्माइल को अपने अधीनस्थों से आय प्राप्त हुई तो वह अपने कब्जे में बड़ी संख्या में मूनलाइट फ्लावर्स के बारे में विश्वास से भर गई हालांकि कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म ने प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में वस्तुओं का उत्पादन किया लेकिन इन सभी वस्तुओं की बिक्री उस समय नहीं हुई जब उन्हें बिक्री के लिए रखा गया था उन्हें बाज़ार को इनमें से कुछ वस्तुओं को धीरे धीरे हजम करने देना था वास्तव में ट्रेडिंग फ़र्म में धूल जमा करने से कुछ आइटम कभी नहीं बिक सकते हैं हालांकि लूनर पोर्शन एक अलग कहानी थी बिक्री के इस पहले दौर ने यह साबित कर दिया था कि जब तक कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म ल्यूनर पोषण तैयार करती है बाजार उनके स्टॉक को खा जाएगा इस बीच कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के पास लगभग एक सौ उन्नत अल्केमिस्ट थे पर्याप्त सामग्री के साथ चंद्र औषधि का बड़े पैमाने पर उत्पादन इन कीमियागरों के लिए केक का एक टुकड़ा होगा वास्तव में जबकि चंद्र औषधि का पहला बैच बिक चुका था साइलेंट वंडर और अन्य ने दो से अधिक नई बोतलें बनाई थीं इस उत्पादन गति के साथ कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म को प्रति घंटे लगभग दो या तीन सौ सो सोना अर्जित करना चाहिए गॉड्स डोमेन में प्रतिदिन अड़तालीस घंटों के साथ फर्म अकेले चंद्र औषधि के साथ प्रतिदिन दस हज़ार से अधिक सोना बना सकती है हालांकि यह धनराशि युद्ध की समग्र स्थिति को नहीं बदल सकी लेकिन यह जीरो विंग की वर्तमान दुर्दशा को हल करने के लिए पर्याप्त थी जब मेलांचोलिक स्माइल ने चंद्र औषधि के दूसरे बैच को बेचने का आदेश दिया तो विभिन्न साम्राज्यों और साम्राज्यों के नीलामी घरों में एक तीव्र प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई जिन खिलाड़ियों ने पहले प्रतीक्षा और देखने का रवैया अपनाया था उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया उन्होंने इस दर से औषधि प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया कि वे इस अवसर को खो देंगे लूनर पोषण की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं पहले बैच के दौरान उच्चतम कीमत सक्रह सिल्वर पचास कॉपर तक चढ़ गई थी लेकिन अब यह बढ़कर उन्नीस सिल्वर प्रति बोतल हो गई है जब तक 2000 लूनर पोषण बिक गए तब तक मेलांचुलिक स्माइल ने अतिरिक्त 300 प्लस गोल्ड अर्जित कर लिया था इस बीच एकवा रोज को जीरो विंग सिटी में काम से भर दिया गया बिग सिस एकवा हमने बाउंटी को अपडेट करने के बाद से 1300 से अधिक गोल्ड का भुगतान किया है हमारे द्वारा अलग रखी गई शेष राशि को शामिल करते हुए हम दो दिन और नहीं टिकेंगे याया ने चिंतित होकर बताया कि उसने अपने हाथों में बाउंटी दावों के सारांश की जांच की यह इतना बढ़ गया है एकवा रोज भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका बढ़े हुए बाउंटी के दावे उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थे उसे उम्मीद थी कि जीरो विंग सिटी और गिल्ड के बचे हुए फंड से होने वाली आय से वे इस युद्ध में कुछ दिन और टिकेंगे लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह संभव नहीं होगा यहां तक कि अगर स्वर्ग का दफन अपनी सेना को संगठित नहीं करता है तो ज़ीरो विंग पैसे से बाहर भाग जाएगा संघ की प्रतिष्ठा धूमिल होगी मामले को बदतर बनाने के लिए स्वर्ग का दफ़न प्राचीन रॉक सिटी समय बीतने के साथ और अधिक लोकप्रिय हो गया खिलाड़ी न केवल क्षेत्र में स्तर बढ़ा सकते थे बल्कि वे मूल्यवान वस्तुओं को खरीदने के लिए योगदान अंक भी अर्जित कर सकते थे इसके विपरीत जीरो विंग सिटी का स्थान अभी केवल मनोरंजन के लिए उपयुक्त था बिग सिस एकवा ग्रिज लीडर के आदेश के तहत कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म ने सिक्कों और वस्तुओं के साथ एक प्रतिनिधि भेजा है जाहिर तौर पर इससे हमें थोड़ी देर और टिके रहने में मदद मिलेगी याया ने अचानक घोषणा की उन्होंने धन भेजा है अच्छा मैं उनसे मिलने के लिए तुरंत जाऊँगा एकवा रोज ने राहत की सांस ली जब उसने सुना कि अथर्व ने अतिरिक्त धनराशि भेजी है वह सिक्के और सामान लेने के लिए गिल्ड हॉल की लॉबी में भागी हालांकि वह नहीं जानती थी कि अथर्व ने अतिरिक्त धन कैसे प्राप्त किया एक और चालीस या पचास हजार गोल्ड जीरो विंग को कुछ और दिनों के लिए इस युद्ध को सहने में मदद करेगा उस समय के दौरान वे जीरो विंग सिटी के कुछ निजी आवासों को बेचने के लिए नीलामी आयोजित कर सकते थे यह उन्हें स्वर्ग की समाधि के साथ इस लड़ाई को जारी रखने की अनुमति दे सकता है वे इस युद्ध को समाप्त करने में भी सक्षम हो सकते हैं हेवंस बेरियल ने भी हर दिन काफी पैसा निवेश किया था और कोई भी इस खींचतान को नहीं देखना चाहता था हालांकि जब एक बार रोज ने देखा कि सिक्के मेलांोलिक स्माइल के अधीनस्थ ने उसके साथ व्यापार किया था तो वह अवाक रह गई एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या उसने कुल मिलाकर गलत पढ़ा है पांच सौ सोना एक छोटे गिल्ड या एडवेंचर टीम के लिए पांच सौ गोल्ड काफी बड़ी रकम हो सकती है लेकिन जीरो विंग के लिए यह पॉकेट चेंज से ज्यादा कुछ नहीं था यह जीरो विंग को अपनी मौजूदा स्थिति से खींचने के लिए काफी दूर था क्या यह मुझे आधे घंटे के लिए बाहर रखने में मदद करने वाला है एक वार रोज अवाक रह गई जब उसने 500 गोल्ड को देखा लेकिन जब एकवा रोज ने अपने बैग में नॉमन बैरियर क्रिस्टल देखे और उनके गुण पैनल का निरीक्षण किया तो उसकी आंखों में चमक आ गई चिरस्थायी जादू क्रिस्टल एकवा रोज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था उसने तुरंत अथर्व से संपर्क किया और पूछा गिल्ड लीडर आपको ये माना बैरियर क्रिस्टल कहां से मिले क्या आपके पास उनमें से अधिक हैं गॉड्स डोमेन के विभिन्न गिर्द और खिलाड़ी सभी को मैजिक क्रिस्टल की सख्त ज़रूरत थी और जीरो विंग निश्चित रूप से कोई अपवाद नहीं था फिर भी ये माना बैरियर क्रिस्टल न केवल एक सौ मैजिक क्रिस्टल के बराबर थे बल्कि उन्हें बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता था यह एक लघु जादू क्रिस्टल नस होने जैसा था इसके अलावा इन माना बैरियर क्रिस्टल को अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए केवल अड़तालीस घंटों की आवश्यकता होती है उन्होंने मूल रूप से जीरो विंग को प्रतिदिन नौ मैजिक क्रिस्टल की स्थिराई दी यदि वे माना बैरियर क्रिस्टल को पर्याप्त मान घनत्व वाले स्थान पर संग्रहित करते हैं तो उनका कूलडाउन और भी छोटा होगा हालांकि मैना बैरियर क्रिस्टल का उपयोग डिवाइन कोलोसियम जैसी जगहों पर नहीं किया जा सकता था लेकिन वे बेहद मूल्यवान थे आप उन्हें पहले ही प्राप्त कर चुके हैं एकवा रोज की उत्तेजना देखकर अथर्व कड़वाहट से मुस्कुराया और उसने कहा माना बैरियर क्रिस्टल अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं अधिक प्राप्त करना इस समय असंभव है स्वाभाविक रूप से एकवा रोज यह सुनकर थोड़ा निराश हुआ यदि उनके पास 50 या 60 मन बैरियर क्रिस्टल होते तो जीरो विंग जीवन के लिए सेट हो जाता हालांकि इस मामले पर कुछ विचार करने के बाद उसने इसे उचित पाया यदि बड़ी मात्रा में माना बैरियर क्रिस्टल के रूप में मूल्यवान कुछ प्राप्त करना संभव होता तो यह भगवान के डोमेन के बाजार को अराजकता में डाल देता अभी के लिए तत्वों के चार टावरों के टेलीपोर्टेशन सरणी को संचालित करने के लिए नौ माना बैरियर क्रिस्टल का उपयोग करें माना बैरियर क्रिस्टल और कुछ अतिरिक्त मैजिक क्रिस्टल के साथ हमें टेलीपोर्टेशन एरे की खपत को आसानी से बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए अथर्व मन बैरियर क्रिस्टल के लिए एकवा रोज की इच्छा के प्रति सहानुभूति रख सकता था लेकिन उन्हें प्राप्त करना इतना आसान नहीं था जनता को बताएं कि जीरो विंग सिटी एक टेलीपोर्टेशन फंक्शन को सक्रिय करेगा जो शहर के चार शून्य 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 गस के भीतर कहीं भी खिलाड़ियों को परिवहन कर सकता है लागत पांच चांदी के सिक्के प्रति एक शून्य 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 गस प्रति व्यक्ति होगी उसी समय टेलीपोर्टेशन फंक्शन के लिए सदस्यता प्रणाली स्थापित करें जो सदस्य बनना चाहते हैं वे 20 मैजिक क्रिस्टल के एक बार के सदस्यता शुल्क का भुगतान कर सकते हैं बदले में टेलीपोर्टेशन फंक्शन का उपयोग करने पर उन्हें बीस की छूट मिलेगी वर्तमान में मैजिक क्रिस्टल के लिए स्टोन फॉरेस्ट टाउन और टीम दंगेन्स जीरो विंग के मुख्य आय स्रोत थे लेकिन स्टोन फॉरेस्ट टाउन और जीरो विंग सिटी दोनों को संचालित करने के लिए बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल की आवश्यकता थी इसके अलावा गिल्ड को अपने सदस्यों के लिए दैनिक मैजिक क्रिस्टल आवंटन को बनाए रखना था गिल्ड की वर्तमान मैजिक क्रिस्टल आय के साथ तत्वों के टेलीपोर्टेशन फंक्शन के चार टावरों को बनाए रखना व्यावहारिक रूप से असंभव था हालांकि प्रत्येक खिलाड़ी सदस्य बनने के लिए 20 मैजिक क्रिस्टल का भुगतान नहीं करेगा लेकिन जीरो विंग तब तक ठीक रहेगा जब तक कि उसने फॉर टावर्स ऑफ एलिमेंट्स के टेलीपोर्टेशन फंक्शन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मैजिक क्रिस्टल अर्जित कर लिए हों ठीक है मैं इसे तुरंत करवा दूंगा एक बार रोज ने उत्साह से सिर हिलाया उन्होंने लंबे समय से तत्वों के चार टावरों के टेलीपोर्टेशन समारोह के लॉन्च होने का इंतजार किया था दुर्भाग्य से जीरो विन के पास अब तक टेलीपोर्टेशन एरे को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मैजिक क्रिस्टल नहीं थे अब जब उनके पास माना बैरियर क्रिस्टल थे तो वे अंत जीरो विन सिटी की असली शक्ति दिखा सकते थे स्टारमून किंगडम स्टारमून सिटी जीवंत स्टारमून सिटी में बीस खिलाड़ियों की एक टीम के पहुंचते ही टेलीपोर्टेशन हॉल में रोशनी चमक उठी जब ये खिलाड़ी दिखाई दिए तो हॉल में मौजूद कई खिलाड़ियों की निगाहें इधर उधर हो गईं। इन सभी बीस खिलाड़ियों के स्तर प्रभावशाली रूप से उच्च थे और वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे उनमें से सबसे निचला स्तर लेवल सैंतालीस था जबकि सबसे घटिया उपकरण लेवल पैंतालीस फाइन गोल्ड रैंक था टीम का नेतृत्व करने वाली जोड़ी एक पुरुष और एक महिला और भी विस्मयकारी थी दोनों लेवल उनचास के थे और उन्होंने लेवल पैंतालीस डार्क गोल्ड इक्विपमेंट के अलावा कुछ नहीं पहना था यहां तक कि पहले दर्जे के गेड़ के विशेषज्ञ भी इस टीम की तुलना नहीं कर सकते थे सबसे आश्चर्यजनक रूप से इनमें से किसी भी विशेषज्ञ ने गिड प्रतीक नहीं पहना था यह दर्शाता है कि वे सभी स्वतंत्र खिलाड़ी थे कितनी शक्तिशाली टीम है कौन है वे क्या आप उनके लबादों पर सिले हुए लोमडी के लोगों को नहीं देखते हैं वे फायर क्लाउड फॉक्स के सदस्य हैं जो ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में शीर्ष पचास सासी टीमों में से एक है लीड में वह शील्ड वॉरियर रेमनेट क्लाउड फायर क्लाउड फॉक्स का कमांडर है वह ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के शीर्ष एक सौ शीड वॉरियर्स में से एक है मैंने सुना है कि साम्राज्य में पहले दर्जे के कई संघों ने उसे भर्ती करने के लिए उच्च कीमतों की पेशकश की है लेकिन उसने सभी को मना कर दिया है चूंकि वे ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में एक साहसी टीम से हैं वे यहां स्टारमून किंगडम में क्यों हैं स्टोन फॉरेस्ट टाउन के कारण शहर का बैटल एरिना उनके जैसे विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिए एक आदर्श स्थान है मैंने यह भी सुना है कि फायर क्लाउड फॉक्स अपने मुख्यालय को जीरो विंग सिटी में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है हालांकि जीरो विंग सिटी का बैटल एरिना स्टोन फॉरेस्ट टाउन जितना प्रभावी नहीं है शहर का माना घनत्व बहुत अधिक है जब हॉल में खिलाड़ियों ने फायर क्लाउड फॉक्स के सदस्यों को देखा तो वे सभी गर्म चर्चाओं में पड़ गए कुछ खिलाड़ी अन्य साहसी टीमों के सदस्य फायर क्लाउड फॉक्स के सदस्यों को ईर्ष्या और प्रशंसा के साथ देखते थे यहां तक कि पहले दर्जे के संघों ने भी इन विशेषज्ञों की भर्ती के लिए संघर्ष किया यह एक ऐसा सम्मान था जो कुछ साहसी टीमों को मिला हर बार ओआरसी साम्राज्य से आना जाना वास्तव में कष्टप्रद होता है कमांडर क्या हम अगली बार कहीं और पीस नहीं सकते फायर क्लाउड फॉक्स के वाइस कमांडर ग्रेसफुल मून ने सुझाव दिया कि वह अपने आसपास की गपशप पर ध्यान न दें अवशेष बादल की ओर मुड़ते हुए उसने जारी रखा ऑक्स का आक्रमण खराब हो रहा है और पिछले कुछ दिनों में हम अधिक से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले ऑक्स में आए हैं यह निश्चित रूप से हमारी लेवलिंग गति को प्रभावित करेगा आपके सपनों में यदि हम ओआरसी साम्राज्य में खोज जारी नहीं रखते हैं और स्वर के दफन सदस्यों को मार देते हैं तो हम अपने पर्वतों के लिए पैसे कैसे कमा सकते हैं अवशेष बादल टूट गया यद्यपि ऑक्स के उन्नयन ने हमारी समतल गति को प्रभावित किया था इस तरह के अवसर अक्सर नहीं होते हैं ठीक है पर्याप्त शिकायत आइए हम अपने उपहारों का दावा करने के लिए जीरो विंग सिटी की ओर चलें मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं लेकिन आपने अपने लिए अंतर देखा है वे ऑक्स अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं सबसे पहले हम आमतौर पर केवल एली रैंक वाले ओर्क्स का सामना करते थे लेकिन अब हम बाएं और दाएं सरदारों में भाग गए हैं उनके मुकाबला मानकों में भी सुधार हुआ है मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि अगली बार जब हम ओआरसी साम्राज्य में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे तो हमें सीमा पार करने के लिए कई और घंटे बर्बाद करने होंगे ग्रेसफुल मून बड़बड़ाया स्टारमून किंगडम के सीमावर्ती शहरों और ओआरसी और साम्राज्य की सीमा के बीच कम दूरी के बावजूद उनकी साहसी टीम ने ओआरसी गश्ती दल के कारण सीमा पार करने में काफ़ी समय बिताया था मामले को बदतर बनाने के लिए गश्ती दलों की संख्या और गुणवत्ता में भी वृद्धि जारी रही अब उन्होंने अपनी यात्रा का आधा समय ओआरसी गश्ती दल से लड़ने में बिताया ठीक है अगर वे उस समय तक मजबूत हो गए हैं जब तक हम फिर से सीमा पार करने की कोशिश करते हैं तो हम पीसने और खोजने के लिए एक और स्थान ढूंढ लेंगे वैसे भी हमारी एडवेंचर टीम ने काफी कमाई की है आज की दौड़ के साथ हमारे पास जीरो विंग सिटी में एक निजी घर खरीदने के लिए पर्याप्त होना चाहिए रेननेट क्लाउड ने कहा मामले पर कुछ और विचार करने के बाद उसने कृपालू चंद्रमा की चिंताओं में तर्क देखा जबकि पैसा कमाना महत्वपूर्ण था अगर यह उनकी बराबरी की गति की कीमत पर आता है तो इससे उनका कोई भला नहीं होगा यदि सीमा की रखवाली करने वाले ओक्स और भी मजबूत हो गए तो ओआरसी साम्राज्य में समतल करना अब इसके लायक नहीं होगा वास्तव में उसके पास जो जानकारी थी उसके आधार पर कई साहसी दल जो फायर क्लाउड फॉक्स की तुलना में केवल थोड़े कमज़ोर थे ने पहले ही ओआरसी साम्राज्य को छोड़ दिया था और अन्य नक्शों में पीसने का विकल्प चुना था इन अन्य साहसी टीमों के स्तर की गति अब उनकी अपनी टीम की तुलना में थोड़ी तेज थी जैसा कि रेमनेंट क्लाउड और उनके साथी जीरो विन सिटी की ओर जाने के लिए तैयार थे उन्होंने आसपास के खिलाड़ियों को अपने गंतव्य के बारे में चर्चा करते हुए सुना क्या जीरो विन असली है जीरो विन सिटी वास्तव में ऐसा कर सकता है यह सच नहीं हो सकता कोई शहर संभावित रूप से चार शून्य 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 गज के भीतर किसी भी स्थान पर खिलाड़ियों को टेलीपोर्ट कैसे कर सकता है यदि यह संभव होता तो क्या खिलाड़ी तुरंत अपने इच्छित लेवलिंग क्षेत्रों में टेलीपोर्ट नहीं कर पाते जीरो विंग ने व्यक्तिगत रूप से घोषणा की यह सच क्यों नहीं होगा अगर यह किसी प्रकार का छलावा होता तो खिलाड़ी इसे तुरंत समझ जाते इसके अलावा क्या आपने इसे नहीं देखा टेलीपोर्टेशन शुल्क बेतुका है साधारण खिलाड़ी हर दिन बमुश्किल कुछ कमाते हैं अगर हम टेलीपोर्टेशन फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें पूरे दिन की कमाई जीरो विंग को सौंपनी होगी जीरो विंग बहुत मजबूत है इसने वास्तव में ऐसा कुछ भी हासिल किया जैसा कि हमारे राज्य के नंबर एक गिल्ड से उम्मीद की जाती है स्टारमून सिटी की सड़कों पर खिलाड़ियों ने जीरो विंग की नवीनतम घोषणा पर बहस की इस बीच शहर में कई साहसी दल समाचार से उत्साह से जल उठे जीरो विंग सिटी का स्थान अब स्टारमून किंगडम के खिलाड़ियों के लिए समाचार नहीं था यह शहर ओआरसी साम्राज्य और स्टारमून किंगडम के बीच इस युद्ध की अग्रिम पंक्ति से दूर नहीं था अधिकांश भाग के लिए केवल एक बड़े जंगल ने शहर को सीमा से अलग कर दिया शहर के चार शून्य 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 गस के भीतर किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट करने में सक्षम होने से खिलाड़ियों को ओआरसी के कई गश्ती दल को दरकिनार करते हुए राज्य की सीमा से बाहर यात्रा करने की अनुमति मिलेगी इससे खिलाड़ियों को यात्रा के समय की काफी बचत होगी और उन्हें काफी हद तक खतरे से बचने की अनुमति मिलेगी टेलीपोर्टेशन की लागत केवल नकारात्मक पक्ष थी अगर खिलाड़ियों को अधिकतम रेंज में टेलीपोर्ट किया जाता है तो एक यात्रा पर प्रति व्यक्ति बीस सिल्वर खर्च होंगे हालांकि कीमत निश्चित रूप से सक्षम साहसी टीमों के लिए यात्रा के लायक थी वे आसानी से कई गुना पैसा वापस कमा सकते थे जो उन्होंने समय बचाने के साथ खर्च किया था आखिरकार जीरो विंग ने स्वर्ग के दफन सदस्यों पर एक इनाम रखा था वे गिल्ड के सदस्यों के एक समूह को आसानी से मारकर टेलीपोर्टेशन शुल्क वापस कमा सकते थे इसके अलावा ओआरसी साम्राज्य के नक्शों में अधिकांश स्टारमून किंगडम की तुलना में कहीं अधिक संसाधन थे वे अपनी समतलन गति को भी बढ़ा सकेंगे कमांडर ऐसा लगता है कि हमें जीरो विंग सिटी में एक निजी घर खरीदने के लिए कुछ और सिक्के बचाने होंगे ग्रेसफुल मून ने जीरो विंग की घोषणा को पढ़ने के बाद हंसते हुए कहा जीरो विंग हमें मौका नहीं दे रहा है कितना अच्छा होता अगर वे इस घोषणा से पहले अपना निजी आवास बेच देते जबकि रेमनेंट क्लाउड ने खबर का जश्न मनाया उसने अपनी जेब में एक चुभन भी महसूस की जीरो विंग सिटी ने पहले ही आश्चर्यजनक लाभ की पेशकश की थी लेकिन अब इसने जनता को अपने टेलीपोर्टेशन फंक्शन के बारे में भी बताया कहने की जरूरत नहीं है साहसी दल और विशेषज्ञ जो ओआरसी साम्राज्य में स्तर बनाना चाहते थे जीरो विन सिटी में बाढ़ आ जाएगी उनके जैसे खिलाड़ियों के लिए टेलीपोर्टेशन फंक्शन एक प्रमुख संसाधन था और बीस चांदी के सिक्के कोई महत्वपूर्ण व्यय नहीं थे जब तक वे बेचने के लिए एक या दो उपकरण प्राप्त करते हैं वे आसानी से जो खर्च करते हैं उसे वापस कमा सकते हैं इसके अलावा खिलाड़ी 20 परसेंट छूट प्राप्त करने के लिए सदस्यता खरीद सकते हैं वास्तव में स्टार मून किंगडम के खिलाड़ी जीरो विंग सिटी के टेलीपोर्टेशन फ़ंक्शन में रुचि रखने वाले अकेले नहीं होंगे अन्य राज्यों और साम्राज्यों के खिलाड़ी संभवतः ओआरसी साम्राज्य की यात्रा करने के लिए जीरो विंग सिटी का दौरा करेंगे जैसा कि था साम्राज्य की सभी सीमाओं की रखवाली करने वाले ओक्स मज़बूत हो रहे थे जैसा कि रेमनेंट क्लाउड ने जीरो विंग सिटी में एक निजी घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने के लिए उपद्रव किया उस शहर में एडवेंचरर टीम और खिलाड़ी हंगामा कर रहे थे ये खिलाड़ी जिन्होंने शुरुआत में ओआरसी साम्राज्य में जाने की योजना बनाई थी ने तुरंत अपना विचार बदल दिया और तत्वों के निकटतम चार टावरों के लिए अपना रास्ता बना लिया इसके बाद उन्होंने स्टार मून किंगडम की सीमा पार करने के लिए बीस सिल्वर खर्च किए जैसा कि अधिक खिलाड़ियों ने तत्वों के टेलीपोर्टेशन फंक्शन के चार टावरों की शक्ति को साबित किया अधिक सासी टीमों और विशेषज्ञ खिलाड़ियों ने टेलीपोर्टेशन सदस्यता के लिए आवेदन किया जीरो विंग द्वारा टेलीपोर्टेशन फंक्शन की घोषणा करने के एक घंटे बाद एक खिलाड़ी सदस्य बन गए थे जिन्होंने बीस हज़ार से अधिक मैजिक क्रिस्टल का योगदान दिया था कुल मिलाकर दो हज़ार से अधिक खिलाड़ियों ने टेलीपोर्टेशन फंक्शन का उपयोग किया था स्वाभाविक रूप से हर कोई मैजिक क्रिस्टल्स में अपनी टेलीपोर्टेशन फीस का एक हिस्सा नहीं देना चाहता था रखरखाव और ऊर्जा की लागत घटाने के बाद जीरो विंग ने हर उस खिलाड़ी से बारह चांदी के सिक्के अर्जित किए जिन्होंने अधिकतम दूरी पर टेलीपोर्ट किया था एक घंटे में जीरो विंग ने शुद्ध लाभ में दो से अधिक सोना बनाया था हालांकि जीरो विंग की नवीनतम घोषणा का वास्तव में भयावह परिणाम जीरो विंग सिटी का दौरा करने वाले खिलाड़ियों की संख्या थी केवल एक घंटे में जीरो विंग सिटी की खिलाड़ी आबादी ने दो शून्य 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 दहलीज को पार कर लिया था इनमें से कई खिलाड़ी अन्य साम्राज्यों और साम्राज्यों की साहसिक टीमों से संबंधित थे और अंत में जीरो विंग ने प्रवेश शुल्क से भी भाग्य अर्जित किया था जिस क्षण जीरो विंग सिटी ने अपने टेलीपोर्टेशन फंक्शन का खुलासा किया शहर ने कई प्रमुख शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया बड़ी संख्या में व्यापारी खिलाड़ी भी जीरो विंग सिटी में अपना कारोबार करने पर विचार कर रहे हैं कई साम्राज्यों और ऑर्क साम्राज्य की सीमा से लगे दो साम्राज्यों में से कुछ संघों ने गुप्त रूप से जीरो विंग के साथ सहयोग करने की कोशिश की स्थिति पूरी तरह से एक व रोज की अपेक्षाओं से अधिक हो गई थी इन सभी गिल्डों ने जीरो विंग सिटी में गिल्ड रेजिडेंस स्थापित करने के अधिकार और टेलीपोर्टेशन फीस पर 20 परसेंट छूट के बदले में जीरो विंग लेवल 45 टॉप टॉप्टियर उपकरण को बाजार मूल्य से नीचे बेचने की पेशकश की ये गिल्ड मैजिक क्रिस्टल के साथ टेलीपोर्टेशन फीस के एक हिस्से का भुगतान करने को तैयार थे हालांकि मुख्य धारा के खिलाड़ी पहले ही चालीस के स्तर तक पहुंच चुके थे फिर भी उन्हें पैंतालीस के स्तर तक पहुंचने में कुछ समय था केवल विभिन्न संघों के कुलीन सदस्य ही इतने उच्च स्तर पर पहुंचे थे और इस वजह से स्तर पैंतालीस गोल्ड उपकरण और ऊपर अभी भी अत्यंत दुर्लभ था हालांकि उपकरण बाज़ार में उपलब्ध थे लेकिन इन टुकड़ों की कीमत आमतौर पर बाज़ार मूल्य से कहीं अधिक होती है इसके अलावा बहुत सारे टुकड़े उपलब्ध नहीं थे यहां तक कि अगर जीरो विंग अत्यधिक मूल्यवान उपकरण खरीदने के लिए तैयार थे तो यह कई टुकड़ों को सुरक्षित नहीं करेगा फिर भी इन बड़े संघों ने भुगतान के रूप में स्तर पैंतालीस शीर्ष स्तरीय उपकरण की पेशकश की थी एक रोज़ ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी यदि वह उनके प्रस्तावों को स्वीकार कर लेती है तो वह गिल्ड की धन और शीर्ष स्तरीय उपकरणों की कमी को दूर कर देगी इसके अलावा इन संघों को टेलीपोर्टेशन शुल्क पर 20 परसेंट की छूट देने के बाद भी जीरो विंग अभी भी काफी लाभ कमाएगा गिल्ड लीडर तीन पहले दर्जे के गिल्ड और ग्यारह दूसरे दर्जे के गिल्ड ने अब तक हमारे साथ साझेदारी करने में रुचि व्यक्त की है अगर हम सहमत हैं तो गिल्ड वेयर हाउस में हमारे शीर्ष स्तरीय उपकरणों को फिर से भरना अब कोई समस्या नहीं होगी एक बार रोज ने उत्साह से कहा क्योंकि उसने अपने हाथों में रिपोर्ट पढ़ी सिक्कों के बजाय जीरो विंग को स्वर्ग के दफन के खिलाफ अपने युद्ध के लिए तत्काल शीर्ष स्तरीय उपकरणों की आवश्यकता थी हर बार जब उनके खिलाड़ी मरते थे वे उपकरण का एक टुकड़ा खो देते थे कभी कभी स्वर्ग के दफन के सदस्यों ने कुछ विशेष तरीकों का भी इस्तेमाल किया ताकि खिलाड़ियों को मरने पर एक से अधिक टुकड़े गिराने के लिए मजबूर किया जा सके आमतौर पर जीरो विंग ने अपने सदस्यों को जीसीपीज के साथ मुआवजा दिया और ये सदस्य वेयरहाउस से प्रतिस्थापन हथियारों और उपकरणों के लिए अपने बिंदुओं का व्यापार करेंगे इस वजह से जीरो विंग के सदस्य तेजी से गिल्ड के हथियारों और उपकरणों के स्टॉक को कम कर रहे थे यदि जीरो विंग का गिल्ड वेयरहाउस अपने सदस्यों के लिए शीर्ष स्तरीय हथियारों और उपकरणों से बाहर चला जाता है तो जीरो विंग के जीसीपी अपना मूल्य खो देंगे अगर ऐसा हुआ तो यह गिर्ड के टूटने से कुछ ही समय पहले की बात होगी हालांकि अगर जीरो विंग अपने स्टॉक की भरपाई कर सकता है तो एकवा रोज को भरोसा था कि गिल्ड इसे स्वर्ग के दफन के साथ जारी रख सकता है गठबंधन की तलाश में बहुत सारे संघ हैं एकवा रोज की रिपोर्ट ने अथर्व को चौंका दिया उन्होंने नहीं सोचा था कि तत्वों के चार टावरों का टेलीपोर्टेशन समारोह इतना प्रभावी विज्ञापन होगा ठीक है हालांकि उन्हें अपनी टेलीपोर्टेशन फीस का 25 परसेंट मैजिक क्रिस्टल के साथ भुगतान करना होगा अन्यथा कोई सौदा नहीं जबकि तत्वों के चार टावरों का टेलीपोर्टेशन फंक्शन शक्तिशाली था इसके संचालन में बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल खर्च हुए यदि वह इन मंडलियों को अपने सदस्यों को बड़े पैमाने पर टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है तो नौ मैना बैरियर क्रिस्टल पलक झपकते ही निकल जाएंगे ज़ीरो विंग के पास ज़्यादा मैजिक क्रिस्टल नहीं थे यदि ये गिल्ड मैजिक क्रिस्टल्स में अपनी टेलीपोर्टेशन फीस का एक चौथाई भुगतान करते हैं तो वे अतिरिक्त लागत की भरपाई करेंगे जीरो विंग कुछ मैजिक क्रिस्टल लाभ भी कमा सकता है मैं समझता हूं मैं अभी बातचीत शुरू करूंगा अथर्व के सहमत होने के बाद एकवा रोज ने कॉल काट दिया और विभिन्न बड़े गिल्ड के गिल्ड लीडर्स से संपर्क किया इस बीच शहर की अचानक हुई लोकप्रियता से जीरो विंग के सदस्यों में माहौल काफ़ी हल्का हो गया था स्वर्ग के दफन को हराने का हर किसी का विश्वास फिर से शुरू हो गया वे आसानी से उस भविष्य की कल्पना कर सकते थे जो उनके गिर शहर की प्रतीक्षा कर रहा था और ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि यह स्वर्ग के दफन के प्राचीन रॉक सिटी से किसी भी सूरत में हार जाए इसी तरह स्टारमून किंगडम के खिलाड़ियों ने जीरो विंग के स्वर्ग के दफन के शिकार होने के बारे में अपना विचार बदलना शुरू कर दिया था अब उन्हें लगा कि जीरो विंग को जीत की कुछ उम्मीद है जबकि एक बार रोज ने विभिन्न गिल्ड लीडर्स के साथ अनुबंध की शर्तों पर बातचीत की अथर्व ने अंत सीख लिया था कि कैसे नए उन्नत मैजिक एरे को तैयार करना है और विजेता के कवच को बनाना शुरू कर दिया है हालांकि जीरो विंग ने अपने पैसे और उपकरण की समस्याओं को हल कर लिया था फिर भी हेवंस ब्यूरियल और ब्लैकवाटर को हराना आसान नहीं होगा अथर्व ने सोचा भी नहीं था कि उनका मौजूदा गिल्ड इन दोनों गिल्ड का कुछ भी बिगाड़ सकता है उनकी विशेषज्ञ गणना के बीच का अंतर बहुत बड़ा था वित्तीय ताकत का उल्लेख नहीं करना यदि जीरो विंग इस संघर्षण के युद्ध को समाप्त करना चाहता है तो उसे अपने गिल्ड सदस्यों की ताकत पर भरोसा करना होगा वास्तव में यह गॉड्स डोमेन का अचूक सत्य था अन्यथा गिल्ड अपने विशेषज्ञों के पोषण पर इतना ध्यान नहीं देते अब जब मैंने जादू की सरणी बनाना सीख लिया है तो मुझे अपनी सफलता दर में सुधार करने का तरीका खोजने की आवश्यकता है हालांकि यह कुछ बेकार है मुझे ब्लैक स्टील इंसिग्निया को अपग्रेड करना होगा जब अथर्व ने विजेता के कवच को बनाने की कोशिश की और अपनी सैद्धांतिक सफलता दर देखी तो उसने खुद को फौलाद बना लिया और व्हाइट सिटी के तट पर अपना रास्ता बना लिया लेवल 50 फाइन गोल्ड रैंक वाले विजेता के कवच को फोर्ज करना लेवल 50 डार्क गोल्ड इक्विपमेंट को फोर्ज करने से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा मास्टर फोर्जर के रूप में उनकी स्थिति के बावजूद उनके पास केवल अठारह की सैद्धांतिक सफलता दर थी यहां तक कि अपने विभिन्न सहायक साधनों के साथ उन्होंने केवल उस सफलता दर को लगभग अट्ठाईस तक बढ़ाया हालांकि यह अपेक्षाकृत अधिक लग रहा था वह कवच बनाने के हर पांच प्रयासों में से एक बार सफल होने के लिए भाग्यशाली होगा यह विजेता के कवच की जटिल फोर्जिंग प्रक्रिया के कारण था दुर्भाग्य से आवश्यक सामग्री सस्ती नहीं थी और प्रत्येक प्रयास में लगभग पचास गोल्ड खर्च होंगे उस तरह के पैसे से वह पहले से ही लेवल पैंतालीस फाइन गोल्ड इक्विपमेंट का एक टुकड़ा खरीद सकता था क्योंकि आवश्यक सामग्री भी दुर्लभ थी और प्राप्त करना कठिन था उसके पास सीमित संख्या में प्रयास भी थे इतनी कम सफलता दर के साथ अथर्व विजेता के कवच को बनाने के लिए बस सहन नहीं कर सका यदि उसे कवच तैयार करना होता तो उसे बहुत कम से कम तीस परसेंट सफलता दर तक पहुंचना होता उसका एकमात्र समाधान पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती की विकास की शक्ति थी जिसे वह हर दस दिनों में केवल एक बार उपयोग कर सकता था अथर्व जल्दी से अपने बड़े निजी गोदाम में पहुंचे और सावधानी से जीरो विंग के सबसे बड़े गुप्त हथियार पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती को पुनः प्राप्त किया उन्होंने विशेष क्षमताओं वाले आइटम को एपिक रैंक में अपग्रेड करने के लिए विकास की शक्ति को बचाने की योजना बनाई थी लेकिन वह अभी कम परवाह नहीं कर सकते थे उन्होंने तुरंत ब्लैक स्टील प्रतीक चिन्ह को पुनः प्राप्त किया और इसे पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती के साथ स्कैन किया अचानक पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती से बैंगनी कोहरा लीक हो गया और ब्लैक स्टील प्रतीक चिन्ह को ढक दिया सिस्टम ने जल्द ही अथर्व को इवोल्यूशन कॉस्ट के बारे में बताया सिस्टम क्या आप ब्लैक स्टील इनसिग्निया को विकसित करने के लिए एक एचपी को स्थायी रूप से खोने के इच्छुक हैं क्या इस चीज के लिए वास्तव में एक हजार एचपी की आवश्यकता है अथर्व चकित रह गया ब्लैक स्टील प्रतीक चिन्ह वर्तमान में फाइन गोल्ड रैंक था यहां तक कि अगर वह आइटम विकसित करता है तो यह केवल डार्क गोल्ड रैंक बन जाएगा फिर भी विकास लागत पवित्र शहर के प्रतीक को विकसित करने की लागत जितनी अधिक थी एक हजार एचपी कम करना कोई मामूली बात नहीं थी यह स्थायी रूप से पचास सहनशक्ति खोने के बराबर था यहां तक कि टीयर दो के खिलाड़ी को भी इस नुकसान की भरपाई के लिए कई बार बराबरी करनी होगी इसके अलावा विकास की सफलता की गारंटी नहीं थी अभी भी असफलता का मौका था लेकिन अथर्व ने सहमत पर क्लिक करने से पहले बहुत देर नहीं की हो सकता है कि उसने अतीत में ब्लैक स्टील प्रतीक चिन्ह विकसित करने के खिलाफ फैसला किया हो लेकिन अब जब उसके पास डार्क आयरन ब्लडलाइन थी तो चीजें बदल गई थीं ब्लडलाइन ने प्रत्येक स्तर के साथ कुछ अतिरिक्त मूल गुण बिंदु प्रदान किए इसके अलावा जैसे जैसे वह उच्च स्तर पर पहुंचेगा बोनस बढ़ता जाएगा वह बहुत जल्दी खोए हुए पचास धीरज को पुनः प्राप्त कर सकता था अथर्व के विकास के लिए सहमत होने के बाद पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती का बैंगनी कोहरा उसके चारों ओर लिपटा हुआ था तत्काल अथर्व का अधिकतम एचपी एक हजार से गिर गया इस बीच पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती ने एक बैंगनी चमक बिखेरी क्योंकि इसने जीवन शक्ति को अवशोषित कर लिया जिसके बाद ब्लैक स्टील इंसिग्निया में बैंगनी कोहरे के गुब्बार छा गए अचानक ब्लैक स्टील प्रतीक चिन्ह ने एक चकाचौंध करने वाली चमक छोड़ी जिसने निजी गोदाम को घेर लिया इसका मतलब यह होना चाहिए कि यह सफल हुआ है ना अपने हाथ में ब्लैक स्टील के प्रतीक चिन्ह को देखते ही अथर्व का दिल धड़क उठा पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती की विकास की शक्ति में एक सौ परसेंट सफलता दर नहीं थी इसके अलावा सफलता दर गिर जाएगी क्योंकि अथर्व ने उच्च रैंक वाली वस्तुओं को चुना खर्चा भी बढ़ेगा यहां तक कि अगर विकास विफल हो गया तो पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती में अभी भी दस दिन का कूलडाउन होगा हालांकि ब्लैक स्टील इंसिग्निया केवल फाइन गोल्ड रैंक था यह जालसाजों के लिए एक अत्यंत कीमती समर्थन उपकरण था यह साधारण डार्क गोल्ड आइटम की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान था इसलिए अथर्व की राय में ब्लैक स्टील इंसिग्निया को विकसित करने की सफलता दर एक डार्क गोल्ड आइटम को एपिक रैंक के रूप में विकसित करने के बराबर होगी यदि विकास विफल हो गया तो न केवल वह स्थायी रूप से 1000 हज़ार एचपी खो देगा बल्कि ब्लैक स्टील प्रतीक चिन्ह को फिर से विकसित करने का प्रयास करने से पहले उसे दस दिन और इंतजार करना होगा यह वांछित परिणाम नहीं था इसके बाद अथर्व ने एक गहरी सांस ली और ब्लैक स्टील इंसिग्निया के विशेषता पैनल का निरीक्षण करने के लिए क्लिक किया ब्लैक स्टील इंसिग्निया डार्क गोल्ड रैंक अद्वितीय उपकरण उपयोगकर्ता प्रतिबंध ये अथर्व ब्लैक स्टील इंसिग्निया ब्लैक स्टील बॉनों के बीच सम्मान का सर्वोच्च पदक है इसे लैस करने के बाद फोर्जिंग की सफलता दर में दस परसेंट की वृद्धि हुई प्रवीणता के पास एक अतिरिक्त अंक बढ़ने की पंद्रह परसेंट संभावना है फोर्जिंग करते समय जाली आइटम की विशेषताओं को बढ़ाने का तीन परसेंट मौका होता है जब अथर्व ने ब्लैक स्टील इंसिग्निया के गुण देखे तो राहत की सांस ली परमानंद ने तब उसके दिल को जकड़ लिया डार्क गोल्ड रैंक वाला ब्लैक स्टील इंसिग्निया अद्भुत है कोई आश्चर्य नहीं कि विकास को इतना एचपी चाहिए ब्लैक स्टील इंसिग्निया की उन्नत विशेषताओं ने अथर्व को चौंका दिया न केवल बोनस फोरजिन की सफलता दर पांच परसेंट से बढ़कर दस परसेंट हो गई थी बल्कि जाली वस्तु की विशेषताओं में वृद्धि की संभावना भी एक परसेंट से बढ़कर तीन परसेंट हो गई थी अब उसके पास अपनी तैयार की गई वस्तुओं की विशेषताओं में सुधार करने का काफी अधिक अवसर होगा गॉड्स डोमेन में उच्च श्रेणी की वस्तुओं का उत्पादन तेजी से और अधिक कठिन हो जाएगा हालांकि यह एक सीधी रैंक वृद्धि नहीं होगी ब्लैक स्टील इंसिग्निया एक फाइन गोल्ड आइटम की विशेषताओं को समान स्तर के डार्क गोल्ड इक्विपमेंट के एक टुकड़े से थोड़ा कम ही बढ़ा सकता है इसका मतलब यह था कि ब्लैक स्टील इंसिग्निया का क्षेत्र रक्षक वस्तुओं को उनके इच्छित रैंक से एक रैंक मजबूत बना सकता है ब्लैक स्टील इंसिग्निया से निपटने के बाद अथर्व विजेता के कवच को बनाने के लिए कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में लौट आया इस बीच तीन हजार से अधिक खिलाड़ियों की एक सेना सभी स्तर छियालीस या उच्चतर ने ओआरसी साम्राज्यों के भीतर एक ओआरसी किले पर हमला किया हालांकि किले की रक्षा करने वाले ओक्स साठ के स्तर के आसपास थे और अभिजात वर्ग और ग्रैंड लॉर्ड के बीच रैंक किया गया था वे खिलाड़ियों के भयंकर हमले के तहत एक के बाद एक गिर गए दुर्भाग्य से खिलाड़ियों को भी हताहत होना पड़ा बॉस के कौशल को चकमा देने पर ध्यान दें रंगे हुए खिलाड़ी किले के रक्षा बुर्ज को नष्ट कर दें सिंगुलर दफनाने की कमान सेना के पीछे से थी जैसा कि ओक्स ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम किया था उन्होंने सेनाओं के लिए विश्राम स्थल के रूप में अस्थायी किले का निर्माण किया था इस वजह से अधिक ओक्स ने इन अस्थायी किले के आसपास काम किया क्षेत्र में खिलाड़ियों को परेशान किया इस बीच ओक्स की खदाने आमतौर पर कई अस्थायी किले से घिरी हुई थीं यदि खिलाड़ी ओआरसी माइन को सुरक्षित करना चाहते हैं तो उन्हें पहले किलों से निपटना होगा सिंगुलर दफनाने को भरोसा था कि वह ओआरसी माइन को सुरक्षित कर सकता है जिसे गॉड्स डोमेन की महाशक्तियों में से कई लोगों ने छोड़ दिया था एक बार स्वर्ग की कब्र अस्थाई किले से निपट गई थी एक बार जब वे सफल हो गए तो स्वर्ग के दफन को सिक्कों या जादू के क्रिस्टल के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी डेबरेक फॉग जिसने सियान दाना की पोशाक पहनी थी अचानक सिंगुलर दफनाने के पास पहुंचा और चुपचाप सूचना दी गिल्ड लीडर जीरो विंग में हमारे जासूसों ने बताया है कि गिल्ड ने किसी तरह एक टेलीपोर्टेशन फंक्शन प्राप्त किया है जो खिलाड़ियों को जीरो विंग सिटी से सीमा तक टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है ओआरसी साम्राज्य और स्टार मून किंगडम के बीच इस टेलीपोर्टेशन फंक्शन के साथ खिलाड़ी काफी समय बचा सकते हैं वास्तव में कई खिलाड़ी पहले से ही सेवा का उपयोग कर चुके हैं जीरो विंग के धन में योगदान कर रहे हैं इसके अलावा हमें खबर मिली है कि बहुत सारे संघों ने जीरो विंग के साथ सहयोग करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है ऐसा लगता है कि वे गिल्ड को लेवल 45 के टॉप टॉपटीयर उपकरण बेचने की योजना बना रहे हैं मुझे डर है कि यह इस दर से हमारी योजनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा पिछली रिपोर्टों के अनुसार जीरो विंग को अपने अंतिम चरण पर होना चाहिए था फिर भी जीरो विंग सिटी के टेलीपोर्टेशन फ़ंक्शन के कारण जीरो विंग ने अपने आप को अपनी दुर्दशा से बाहर निकाल लिया था वास्तव में टेलीपोर्टेशन सेवा इतनी लाभदायक हो गई थी कि जीरो विंग अब उनके विरुद्ध युद्ध की अपनी लड़ाई जारी रखने में सक्षम थी यह अच्छी खबर नहीं थी लंबे समय तक संघर्षण युद्ध स्वर्ग के दफन के वित्त और विकास पर एक दर्दनाक बोझ था जीरो विंग के इनाम के लिए उन्हें पहले ही महत्वपूर्ण हताहतों का सामना करना पड़ा था इससे गिल्ड सदस्यों की लेवलिंग गति प्रभावित हुई थी इसके अलावा गिल्ड के सदस्यों को खेतों में घात लगाकर हमला करने के लिए सतर्क रहना पड़ता था कई खिलाड़ी जो मूल रूप से हैवेंस ब्यूरियल में शामिल होना चाहते थे उन्होंने अपना विचार बदलना शुरू कर दिया था यदि वे जीरो विंग के साथ जल्दी से नहीं निपटते हैं तो उनके गिड़ का विकास रुक जाएगा और वे प्राचीन रॉक सिटी के साथ भी भगवान के डोमेन की अन्य महाशक्तियों के साथ नहीं रह पाएंगे जीरो विंग एक दृढ़ तिलचट्टा है सिंगुलर दफन मदद नहीं कर सकता था लेकिन भौहें चढ़ाता था उन्होंने तुरंत आदेश दिया यंग मास्टर ले को सूचित करें और उन्हें बताएं कि यह उनके थंडर लीजन के लिए कार्रवाई करने का समय है ब्लैकवाटर से भी संपर्क करें उन्हें बताओ कि अगर वे अभी भी ओआरसी खान का हिस्सा चाहते हैं तो उन्हें और अधिक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों को भेजना चाहिए और जीरो विंग को जल्दी ख़त्म करने में हमारी मदद करनी चाहिए हम अब कार्रवाई कर रहे हैं भोर का कोहरा दंग रह गया उसने इतनी जल्दी रणनीति बदलने की उम्मीद नहीं की थी अब तक उनके विशेषज्ञ आमतौर पर छोटे समूहों में हमला करते थे उस पल से भागकर जीरो विंग के सदस्यों को मारते थे और उनकी हताहतों की संख्या को कम करते थे हालांकि यदि वे खेतों में टीम लड़ाई शुरू करते हैं तो वे अधिक हताहत होंगे भले ही वे अपने दुश्मन को अधिक नुकसान पहुंचाते हों इसलिए वे अब तक ऐसा करने से बचते रहे हैं अब जब सिंगुलर बरियल ने टीम लड़ाइयों को मंजूरी दे दी थी तो उन्होंने साबित कर दिया था कि जीरो विंग उनके गिड़ के लिए एक बड़ा खतरा था इस प्रकार उसने लागत की परवाह किए बिना इस युद्ध का एक त्वरित अंत करने का निर्णय लिया और स्थायी क्षति होने से पहले नवोदित खतरे को समाप्त कर दिया हम मैं देखना चाहता हूं कि जीरो विंग कितनी देर टिक पाता है विलक्षण दफन सिर हिलाया जीरो विंग का अचानक परिवर्तन उसकी अपेक्षाओं से अधिक हो गया था और उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था लेकिन वह इस अवसर का उपयोग जीरो विंग को यह दिखाने के लिए भी करना चाहता था कि उनके विशेषज्ञ की गिनती के बीच कितना बड़ा अंतर था कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की शीर्ष मंजिल पर स्थित एक विशेष फोर्जिंग रूम में स्टारमून किंगडम व्हाइट सिटी अथर्व एक भट्टी के पास अकेला बैठा था बार बार हथौड़े से झूल रहा था क्योंकि उसने विजेता का कवच बना लिया था अपने ध्यान को पैना करने के लिए उन्होंने अनमोल सोल वाटर का भी इस्तेमाल किया था विजेता के कवच में 10 से अधिक मुख्य सामग्रियों और 20 से अधिक सहायक सामग्रियों सहित बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता थी हर सामग्री को सावधानी से गलाने की ज़रूरत है सभी शामिल सामग्रियों को गलाने और शुद्ध करने में आधे घंटे से अधिक का समय लगा अगर अथर्व अकेले फोर्जिंग की पूरी प्रक्रिया से गुजरा होता तो उसके पास हर दिन केवल विजेता के कवच के कुछ टुकड़े बनाने का समय होता सौभाग्य से वह गलाने और शोधन प्रक्रियाओं में मदद करने के लिए कैंडल लाइट के उन्नत जालसाजों पर भरोसा कर सकता था जिससे उसका काफी समय बच जाता था सौभाग्य से ब्लैक स्टील इंसिग्निया में सुधार के साथ अथर्व की फोर्जिंग सफलता दर तीस परसेंट सीमा पार कर गई थी फ्यूजिंग स्टैकिंग फ्यूजिंग स्टैकिंग जैसे जैसे उसने निकाली गई सामग्री को फ्यूज करना और आकार देना जारी रखा विजेता का कवच आकार लेने लगा एक बार जब कवच सही हो गया तो अथर्व ने राहत की गहरी सांस ली और एडवांस्ड मैजिक एरे को बनाना शुरू किया आत्मा जल के प्रभाव के कारण अथर्व उन्नत जादू सरणी को स्वाभाविक रूप से और बिना रुके पूरा करने में सक्षम था जैसे ही उसने एडवांस्ड मैजिक एरे को पूरा किया विजेता के कवच ने एक सम्मोहक क्रिमसन चमक छोड़ी यह पहला विजेता का कवच है जिसे मैंने गढ़ा है और मैंने पहले ही मजबूत प्रभाव शुरू कर दिया है जैसे ही अथर्व ने फाइन फाइनबोल्ड इक्विपमेंट पर सामान्य चमक से पूरी तरह से अलग क्रिमसन लाइट देखी तो उसका उत्साह बढ़ गया मास्टर जालसाज होने के बावजूद अथर्व के पास कॉन्करर्स आर्मर बनाने में विशेष रूप से उच्च सफलता दर नहीं थी हालांकि गॉड्स डोमेन में बहुत सारे सहायक उपकरण थे ये उपकरण अधिक जटिल वस्तुओं के साथ कम प्रभावी हो जाएंगे वास्तव में एपिक आइटम का निर्माण करते समय अधिकांश सहायक उपकरण निरस्त कर दिए गए थे केवल कुछ सहायक उपकरण ही किसी खिलाड़ी को एक एपिक आइटम बनाने में मदद कर सकते हैं अथर्व ने उम्मीद नहीं की थी बमुश्किल 30 परसेंट से अधिक सफलता दर होने के बावजूद वह वास्तव में अपनी पहली कोशिश में एक सफल काउंटर का कवच बना लेगा इसके अलावा उन्होंने ब्लैक स्टी इंसिग्निया के मजबूत प्रभाव को ट्रिगर किया था एक पल के लिए कवच को देखने के बाद अथर्व ने इसकी विशेषताओं का निरीक्षण करने के लिए क्लिक किया तुरंत सिस्टम ने विजेता के कवच के आंकड़ों का विश्लेषण किया सिस्टम ब्लैक स्टील इनसिग्निया का प्रभाव ट्रिगर हुआ गुण बढ़े प्रणाली विजेता का कवच सफलतापूर्वक बना लिया गया है फोर्जिंग प्रवीणता में चार अंकों की वृद्धि हुई तीन शून्य 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 प्राप्त किया विजेता का कवच चेस्ट पीस लेट आर्मर फाइन गोल्ड रैंक स्तर पचास उपकरण की आवश्यकता शक्ति 730 और चपलता 730। रक्षा प्लस दो तीन शक्ति प्लस पचहत्तर धीरज प्लस चौरासी चपलता प्लस बेहतर अतिरिक्त निष्क्रिय कौशल जीवन बलिदान पहनने वाले को अधिक शक्ति प्राप्त होगी क्योंकि उनका एचपी अधिकतम 15 परसेंट शक्ति और 25 परसेंट हमले की गति तक कम हो जाता है अतिरिक्त सक्रिय कौशल बेसिक स्ट्रेंथ बैटल एरे एक्टिवेशन के लिए कॉन्करर आर्मर पहनने वाले पांच या अधिक खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है सक्रियन पर पहनने वाले की ताकत 25 परसेंट चपलता 15 परसेंट सहनशक्ति 15 परसेंट और काया 10 परसेंट बढ़ जाती है बेसिक परसेप्शन शेयरिंग बफ प्रदान करता है सहनशक्ति और एकाग्रता की खपत दर में चार की वृद्धि होती है युद्ध व्यूह रचना को बनाए रखने में हर पांच मिनट में एक मैजिक क्रिस्टल खर्च होता है ब्लैक स्टील इंसिग्निया वास्तव में काफी अद्भुत है इसने न केवल कवच के मूल गुणों में सुधार किया बल्कि इसने कवच के कौशल में से एक को भी थोड़ा बढ़ाया हालांकि यह विजेता का कवच अभी भी व्यक्तिगत रूप से स्तर पचास डार्क उपकरण के लिए एक मैच नहीं है यह इससे दूर नहीं है विजेता के कवच के गुणों को पढ़कर अथर प्रसन्न हुआ परमेश्वर के क्षेत्र में स्तर पचास एक प्रमुख मोर्च था इस स्तर के शीर्ष स्तर के उपकरण प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाएगा यहां तक कि लेवल पचास एक सॉप मैन टीम डंजन्स ने केवल लेवल पचास गोल्ड इक्विपमेंट और सेट इक्विपमेंट को सबसे अच्छा गिराया आमतौर पर खिलाड़ी सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन से केवल लेवल पचास डार्क गोल्ड इक्विपमेंट ही प्राप्त कर सकते थे अपने आप में बेहतर विजेता का कवच समान स्तर के महाकाव्य उपकरण के एक टुकड़े की तुलना में केवल थोड़ा कम मूल्यवान था लेकिन अगर उसके पास इस कवच के उन्नत संस्करण के पांच टुकड़े थे तो प्रत्येक टुकड़े का मूल्य उतना ही होगा जितना कि साधारण का एक टुकड़ा महाकाव्य उपकरण बेहतर विजेता के कवच के विपरीत एपिक उपकरण ने केवल बुनियादी विशेषताओं और कुछ शक्तिशाली कौशलों को शक्तिशाली बढ़ावा दिया दूसरी ओर कॉन्करर आर्मर की बेसिक स्ट्रेंथ बैटल एरे खिलाड़ियों के मुकाबला मानकों के साथ साथ बुनियादी विशेषताओं और काया में सुधार कर सकती है कवच की स्तर सीमा ही एकमात्र दोष था सबसे अच्छे रूप में खिलाड़ी साठ के स्तर तक कवच का उपयोग कर सकते थे इसके विपरीत अधिकांश महाकाव्य उपकरण एक के स्तर से पहले उपयोग किए जा सकते थे उसके सामने उन्नत विजेता के कवच को देखते हुए अथर्व का कवच बनाने का जुनून प्रज्वलित हो गया यदि वह विजेता के कवच का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है और एक हजार लोगों की सेना को लैस कर सकता है तो परिणाम आश्चर्यजनक होगा यदि वह कॉन्करर आर्मर में एक हज़ार विशेषज्ञ खिलाड़ियों की एक टुकड़ी तैयार करता है तो उसके पास तुरंत रिफाइनमेंट रियन विशेषज्ञों की एक टुकड़ी होगी ऐसी सेना युद्ध के मैदान में अजय होगी यहां तक कि वह इस तरह के बल के साथ एक सच्चे सुपरफर्स्टरेट गिल्ड हेडन को चुनौती देने की हिम्मत करेगा स्वर्ग के दफन का उल्लेख नहीं करेगा इतनी शक्तिशाली सेना का सपना देखते हुए अथर्व ने एक पल के लिए भी आराम न करते हुए एक के बाद एक विजेता के कवच को बनाना जारी रखा चूंकि अथर्व के पास लगभग एक सौ उन्नत फोर्जर्स थे जो सबसे अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया को संभालने के लिए थे प्रगलन और शोधन वह प्रत्येक फोर्जिंग प्रयास को लगभग दस मिनट में पूरा कर सकता था जैसे जैसे वह इस प्रक्रिया से अधिक परिचित होता गया वह उससे भी अधिक तेज़ी से काम करने में सक्षम हो गया शायद उसने पहले प्रयास के दौरान अपनी सारी किस्मत का इस्तेमाल किया था क्योंकि दुर्भाग्य से अगले चार प्रयास विफल रहे पलक झपकते ही उसने 200 से अधिक सोना सामग्री में बर्बाद कर दिया था यदि किसी अन्य ट्रेडिंग फर्म को इस तरह का नुकसान होता है तो वे तुरंत उत्पादन बंद कर देंगे लेकिन अथर्व अचंभित था यदि बेसिक बैटल एरे वाले उपकरण का उत्पादन करना इतना आसान होता तो विभिन्न सुपर गिड्स ने अतीत में इतना संघर्ष नहीं किया होता बड़े पैमाने पर ऐसे उपकरण का उत्पादन किया हालांकि जैसे जैसे अथर्व ने अपने फोर्जिन प्रयासों को जारी रखा वह महत्वपूर्ण उन्नत मैजिक एरे को चित्रित करने से परिचित हो गया वह बाद में अपनी सफलता दर में सुधार करने के लिए ईश्वरीय प्रोविडेंस का भी उपयोग करेगा हालांकि किस्मत का कोई महत्व नहीं था यह उत्पादन की सफलता दर को कम या ज्यादा प्रभावित कर सकता था इससे पहले कि अथर्व को इसका एहसास होता वह पहले ही तीन सामग्री सेटों से गुजर चुका था अंत में उन्होंने विजेता के कवच के छियानवे टुकड़ों को सफलतापूर्वक जाली बना लिया था उनकी समग्र सफलता दर प्रणाली द्वारा दी गई सैद्धांतिक सफलता दर से थोड़ी अधिक थी और छियानवे छाती के टुकड़ों में से अथर्व ने बेहतर विजेता के कवच के तीन और टुकड़े बनाए कुल चार बेहतर छाती के टुकड़े हासिल किए इस बीच विजेता के कवच को तैयार करने के अपने परिश्रम के कारण अथर्व के अनुभव बार में लगातार वृद्धि हुई थी उसकी समतल करने की गति गॉड्स डोमेन के अन्य चोटी के विशेषज्ञों की तुलना में तीन से चार गुना तेज थी हालांकि उसकी बराबरी की गति प्रभावशाली थी लेकिन संभावना नहीं थी कि गॉड्स डोमेन में कोई दूसरा खिलाड़ी था जो अथर्व की संकलन पद्धति को दोहराने का साहस करे अथर्व ने जिन 300 सामग्री सेट का उपयोग किया था वे कुल मिलाकर 15,000 सोने के लायक थे और यह केवल वर्तमान बाजार मूल्य था यदि खिलाड़ी थोक में सामग्री खरीदने का प्रयास करते हैं तो उन्हें इससे कहीं अधिक भुगतान करना पड़ सकता है जैसा कि अथर्व शेष दो दर्जन या इतने ही सामग्री सेट का उपयोग करने वाला था एक बार रोज ने संपर्क किया गिल्ड लीडर हेवंस बरियल और ब्लैकवाटर ने हमारे खिलाफ लामबंदी की गई ताकत को अचानक बढ़ा दिया है उन्होंने हमारी कालकोठरी पर छापा मारने वाली टीमों पर घात लगाने के लिए एक सौ सदस्यीय टीमों का आयोजन किया है हमारे हताहतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है हम पहले ही पांच हजार से अधिक लोगों की जान गंवा चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया है हालांकि हमने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की है हम बहुत अधिक संख्या में हैं हम बस सभी हमलों के साथ नहीं रह सकते क्या मुझे अपने गिल्ड सदस्यों को कालकोठरी के छापे से याद करना चाहिए और अभी के लिए उच्च संसाधन मानचित्रों में पीसना चाहिए और कुछ सुरक्षित नक्शों में समतल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जीरो विंग सिटी की लोकप्रियता में वृद्धि के कारण एकवा रोज़ को अपेक्षाकृत विश्वास था कि जीरो विंग्स स्वर्ग के दफ़न के साथ युद्ध से बच जाएगा लेकिन अब स्वर्ग के दफन और ब्लैकवाटर ने अपने खिलाड़ियों को उनके कब्ज़े वाले विभिन्न उच्च संसाधन मानचित्रों में घात लगाने के लिए और अधिक विशेषज्ञों को भेजा था दोनों गिल्डों ने अपने 100 सौ सदस्यीय कुलीन और विशेषज्ञ टीमों को भी निशाना बनाया ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था इस समय सबसे बुद्धिमानी भरा कदम यह होगा कि वे अपने सदस्यों को कुछ विशिष्ट समतल मानचित्रों में एक दूसरे के करीब इकट्ठा करें हालांकि यह उनके सदस्यों की समतल गति को सीमित करेगा यह अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा जीरो विंग अपने सीमित संख्या में विशेषज्ञों को सुदृढ़ीकरण के रूप में तेजी से भेज सकता है वे अंत में बैठे हैं और अथर्व ने मुंह फेर लिया उसने नहीं सोचा था कि हेवंस बरियल इस युद्ध को इतनी जल्दी समाप्त करने का प्रयास करेगा तुरंत उन्होंने आज्ञा दी मुझे आपका सुझाव पसंद आया हमें अपने बलों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है लेकिन इसके बजाय उन्हें लक्षित उच्च संसाधन वाले मानचित्रों पर ले जाएं। लेकिन स्तर 40 और 50 उच्च संसाधन मानचित्र बहुत दूर हैं अगर कोई लड़ाई छिड़ती है तो हमारे सुदृढ़ीकरण को वहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा एक बार रोज़ ने भी इस विचार पर विचार किया था लेकिन यह कोई बुद्धिमानी भरा कदम नहीं था जीरो विंग के पास सीमित संख्या में विशेषज्ञ थे और वे कई मानचित्रों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं थे जो अब तक अलग थे यह ठीक है जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो बाकी मुझ पर छोड़ दो अथर्व बस मुस्कुराया कोई और स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाई डार्क गॉड्स लीजन से एक सौ कुशल प्लेट आर्मर कक्षाओं का चयन करें और उन्हें मेरे रास्ते भेजें उन्हें स्तर पचास या उच्चतर होना चाहिए एक सौ लोग एक बार रोज समझ नहीं पाया कि अथर्व क्या करना चाहता है वर्तमान में जीरो विंग के कुछ ही खिलाड़ी हेवंस बरियल और ब्लैकवाटर के विशेषज्ञों के खिलाफ खड़े होने में सक्षम थे अगर वे दुश्मन की टीमों को दबाना चाहते हैं तो उन्हें गिल्ड के टीयर दो खिलाड़ियों की एक टीम बनानी होगी यहां तक कि एक सौ सदस्यीय विशेषज्ञ टीम की लड़ाई के ज्वार को मोड़ने की क्षमता सीमित होगी लेकिन चूंकि अथर्व ने आदेश दिया था उसके पास इसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था स्टारमून किंगडम पायरोक्सीन हिल्स स्टारमून किंगडम में कई स्तर के पचास नक्शों में से एक के रूप में इसमें बहुत सारे प्राचीन खंडहर थे भले ही यह विशेष रूप से संसाधन समृद्ध न हो इसलिए राज्य में कई गिल्ड और साहसी दल मानचित्र और उसके खंडहरों का पता लगाना पसंद करते थे पायरोक्सीन हिल्स कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों और अयस्कों का घर भी था पीसने के दौरान कई स्वतंत्र खिलाड़ी इन सामग्रियों को काटने आए वर्तमान में खिलाड़ियों के दो समूह पायरोक्सिन हिल्स के जीर्ण शीर्ण खंडहरों में से एक के बाहर भिड़ गए सभी खिलाड़ी उच्च स्तर के थे सबसे कम स्तर 50 के साथ और सबसे मजबूत खिलाड़ी स्तर बावन पर दो समूहों में से एक ने हेवंस बरियल्स गिर प्रतीक पहना था जबकि अन्य खिलाड़ियों ने जीरो विंग्स पहना था अद्भुत तो यह गिल्स के बीच एक तीन लड़ाई है पास से गुजर रहे खिलाड़ी लड़ाई देखने के लिए रुके बिना नहीं रह सके वे मोहित हो गए स्वतंत्र खिलाड़ियों के बीच पीवीपी लड़ाइयों की तुलना में उन्होंने पहले देखा था यह लड़ाई अपने स्तर पर थी जब स्वतंत्र टीमें आपस में भिड़ती थीं तो लड़ाई में आमतौर पर लगभग एक दर्जन खिलाड़ी शामिल होते थे जिनमें से अधिकांश अपने स्वयं के झगड़े पर केंद्रित होते थे तीन लड़ाइयों के बजाय इन लड़ाइयों को फ्री फॉर ऑल कहना अधिक उपयुक्त था किसी भी खिलाड़ी के बीच तालमेल नहीं था आमतौर पर एक अकेला विशेषज्ञ झड़प की दिशा बदल सकता है हालांकि गिल्ड टीमों के बीच लड़ाई एक अलग कहानी थी ये लड़ाइयां प्राचीन युद्ध क्षेत्रों के युद्धों के समान थीं प्रत्येक टीम के पास स्पष्ट नेतृत्व था और गिल्ड टीमों ने टीम के सदस्यों के बीच समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया ताकि दुश्मन के कमजोर बिंदुओं पर हमला किया जा सके ऐसी लड़ाइयों में व्यक्तिगत विशेषज्ञों का परिणाम पर बहुत कम प्रभाव पड़ा कुछ समय के लिए स्वर्ग का दफन और शून्य विंग के सदस्य लड़े मंत्र और तीर युद्ध के मैदान में उड़ गए क्योंकि पीछे के मरहम लगाने वालों ने एक के बाद एक हीलिंग मंत्र डाले हालांकि लड़ाई की दवा के रूप में जीरो विंग के फ्रंटलाइन हाथापाई के खिलाड़ी गिरने लगे खिलाड़ियों की समान संख्या के साथ शुरुआत करने के बावजूद हेवंस बरियल को अपने विशेषज्ञों की भयावह संख्या के कारण स्पष्ट रूप से लाभ मिला आमतौर पर पांच या छह विशेषज्ञ खिलाड़ी एक सौ सदस्यीय गिल्ड एलिट टीम का नेतृत्व करेंगे फिर भी हेवंस बेरियल की संभ्रांत टीम में तीस से अधिक विशेषज्ञ थे इसके विपरीत जीरो विंग की टीम के पास केवल पन्द्रह थे न केवल विशेषज्ञ खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से अभिजातीय वर्ग से अधिक मजबूत थे बल्कि उनके पास बेहतर समन्वय भी था और वे आसानी से अपने विरोधियों को कमजोर बिंदु ढूंढ सकते थे जैसे ही जीरो विंग के एक खिलाड़ी एक के बाद एक गिरते गए लड़ाई एक हो गई अंत में जीरो विंग की टीम को पीछे हटना पड़ा दुर्भाग्य से हेवंस बरियल के खिलाड़ियों का स्पष्ट रूप से अपने दुश्मनों को भाग जाने देने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वे भागने वाले खिलाड़ियों का पीछा कर रहे थे हालांकि हेवेंस बरियल को लगभग 20 हताहतों का सामना करना पड़ा टीम ने जीरो विंग के खिलाड़ियों का सफाया कर दिया था नेता जीरो विंग के सदस्य कमज़ोर लोगों का एक समूह है अगर गिल्ड लीडर ने पहले हमला करने की कमान दी होती तो स्वर्ग का दफन लंबे समय तक स्टारमून किंगडम पर हावी रहता यह सही है भले ही जीरो विंग शक्तिशाली हो यह केवल प्रथम श्रेणी के संघों के सामने अकड़ सकता है यह स्वर्ग के दफन के लिए कुछ भी नहीं है हेवंस बरियल के खिलाड़ी हंसे जब उन्होंने पूरे मैदान में बिखरे हथियारों और उपकरणों की प्रशंसा की स्टारमून किंगडम के अधिपति के रूप में जीरो विंग का समय समाप्त हो गया था और स्वर्ग का दफन वह गिड नहीं था जो अतीत में था अब गिर्ड का हर पहलू दुर्जेय था कुल मिलाकर स्वर्ग का दफन और ब्लैकवाटर ने आठ हजार से अधिक विशेषज्ञों को भेजा था और उन्हें जीरो विंग के सदस्यों पर घात लगाने के लिए कई टीमों में फैलाया था उन्होंने शीर्ष स्तरीय और शीर्ष विशेषज्ञों को भी भेजा था शिकार पर कई विशेषज्ञ नेतृत्व वाली टीमों के साथ वे किसी भी जीरो विंग के सदस्य को मार देंगे जो विभिन्न समतल मानचित्रों में दिखाने का साहस करता है स्वर्ग के दफन से टीम के जाने के कुछ ही समय बाद जीरो विंग की एक और बीस सदस्यीय टीम युद्ध के मैदान में आ गई धत्तेरी की हम फिर से बहुत देर कर चुके हैं शैडो स्वॉर्ड ने शापित युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण किया जिस लेवलिंग मैप को उसे सुरक्षित करने का काम सौंपा गया था वह बहुत बड़ा था और हेवेंस बरियल के मैप में बहुत सारी टीमें थीं वह कितने खिलाड़ियों को बचा सकता था इसकी एक सीमा थी कभी कभी दुश्मन दूर दूर की टीमों पर घात लगाकर हमला करता था और जब तक वह आता लड़ाई खत्म हो जाती वह मदद नहीं कर सका लेकिन शक्तिहीन महसूस कर रहा था इसके अलावा उसकी लेवलिंग गति तेजी से कम हो गई थी क्योंकि उसने हेवन की दफन टीमों को शिकार करने पर ध्यान केंद्रित किया था कमांडर शैडो स्वाड हमें वाइस गेड लीडर एकवा का एक संदेश मिला है वह चाहती है कि सभी सदस्य जो समतल करना चाहते हैं वे इन चार उच्च संसाधन नक्शों में एकत्रित हों उसने इन विशिष्ट डार्क गॉड्स लीजन सदस्यों को तुरंत व्हाइट रिवर सिटी के गिर्ड निवास में इकट्ठा होने का आदेश दिया एक स्तर पचास रेंजर ने बताया कि उसने शेडो स्वॉर्ड को एक सूची सौंपी इन चार नक्शों को इकट्ठा करो क्या यह एक मजाक है शेडो स्वॉर्ड चार निर्दिष्ट नक्शों पर गैप करता है हालांकि यह रक्षा और सुदृढ़ीकरण को आसान बना देगा यदि वे अपने गिर्ड सदस्यों को कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में इकट्ठा करते हैं तो चार नक्शे फैले हुए थे अपने सदस्यों को इन नक्शों पर भेजना गिल्ड की शक्ति को विभाजित करने के बराबर था जिससे स्वर्ग के दफन और ब्लैकवाटर के लिए उनका वध करना आसान हो गया वाइस गिल्ड लीडर ने कहा है कि यह हमारे गिल्ड लीडर का आदेश है रेंजर ने गंभीरता से सिर हिलाया गिल्ड लीडर का एक आदेश यह सुनकर छाया तलवार और भी भ्रमित हो गई मैं समझता हूं हम तुरंत अपने असाइन किए गए मानचित्र पर जाएंगे सूची में शामिल किसी भी डार्क गॉड्स लीजन के सदस्यों को तुरंत गिल्ड निवास लौट जाना चाहिए जबकि शैडो स्वाड की टीम दूसरे नक्शे की यात्रा के लिए तैयार थी जीरो विंग के गेड के सदस्य जो स्टारमोन किंगडम में बिखरे हुए थे ने उसी आदेश का पालन किया स्वाभाविक रूप से इस तरह के बड़े पैमाने पर बदलाव ने राज्य के विभिन्न बड़े संघों का ध्यान आकर्षित किया जीरो विंग क्या करने की कोशिश कर रहा है घोर कोहरा चकित रह गया जब उसने नवीनतम रिपोर्ट पढ़ी जो एक अधीनस्थ ने उसे भेजी थी हा 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 सचमुच मूर्ख क्या उन्हें लगता है कि यह हमें डराएगा सिंगुलर दफनाने की रिपोर्ट पर हंसी आई हमारे जनरलों को सूचित करें और इन चार नक्शों पर हमारी सेना को भेजें उन्हें 100 आदमी इकाइयों या उससे कम में स्थानांतरित करने के लिए कहें जीरो विन के साथ कोई बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू न करें मैं देखना चाहता हूं कि ब्लैक फ्लेम कितनी टीमों से निपटने का इरादा रखता है उन्होंने बहुत पहले ही ब्लैक फ्लेम की क्षमताओं का पता लगा लिया था न केवल उस व्यक्ति ने बड़े पैमाने पर विनाश मंत्रों का इस्तेमाल किया बल्कि उसके पास बड़े पैमाने पर साइलेंसिंग कौशल भी था हज़ारों खिलाड़ियों से जुड़ी लड़ाइयों में इन क्षमताओं ने अद्भुत काम किया यहां तक कि अगर स्वर्ग का दफन अपने संख्यात्मक लाभ के कारण जीत गया तो गिर्ड को भारी नुकसान होगा और वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह देखना चाहता था अगर जीरो विंग ने अपने सदस्यों को एक ही नक्शे में इकट्ठा कर लिया होता तो वह अपने गिर्ड के सदस्यों को भेजने की हिम्मत नहीं कर पाता बेशक वह जीरो विंग को ऐसा करते हुए देखकर बहुत खुश होंगे क्योंकि एक ही नक्शे में केवल इतने सारे संसाधन उपलब्ध थे यदि प्रत्येक जीरो विंग सदस्य एक क्षेत्र में धराशायी हो जाता है भले ही वह एक उच्च संसाधन मानचित्र हो तो चारों ओर जाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे अंत यह गिल्ड सदस्यों की संतलन गति को नुकसान पहुंचाएगा हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके सदस्य सामान्य रूप से संतल कर सकें जीरो विंग ने अपने खिलाड़ियों को चार उच्च संसाधन मानचित्रों में विभाजित किया था जो एक दूसरे से काफी दूर थे जीरो विंग के विशेषज्ञों की सीमित संख्या के साथ यह प्रत्येक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कुछ ही भेज सकता है जब तक स्वर्ग का दफन छोटे पैमाने पर लड़ाई शुरू करना जारी रखता है तब तक जीरो विंग दुश्मन गिल्ड के संख्यात्मक लाभ को बनाए रखने में विफल रहेगा यदि यह दवा चालू रहती है तो जीरो विंग के ढहने से पहले यह केवल कुछ समय की बात होगी इस बीच व्हाइट सिटी में जीरो विंग के निवास में कोर सदस्यों के गिल्ड प्रतीक पहने सौ खिलाड़ी निवास के बैठक कक्ष में बैठे थे भीड़ के बीच सबसे निचला स्तर पचास का स्तर था जबकि उच्चतम स्तर बावन तक पहुंच गया था ये सभी खिलाड़ी किसी भी गिल्ड में शीर्ष स्तरों के बीच रैंक कर सकते थे जहां तक उनके लड़ाकू मानकों की बात है उनमें से सबसे कमजोर ट्रायल टावर की छठी मंजिल के मध्य चरण तक पहुंच गया था और सबसे शक्तिशाली सातवीं मंजिल तक पहुंच गया था इन खिलाड़ियों में से किसी ने भी एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे अपने सामने लबादे पहने आदमी को देख रहे थे श्रद्धा और प्रशंसा उनकी निगाहों में भर रही थी यह लबादा कोई और नहीं बल्कि ब्लैक फ्लेम जीरो विंग का ग्रिड लीडर और अपने स्वयं के किंवदंतियों का विशेषज्ञ था कमरे में खिलाड़ियों की ओर देखते हुए अथर्व ने कहा चूंकि सभी यहां हैं तो चलिए सीधे काम पर आते हैं एक बार जब उन्होंने यह सत्यापित कर लिया कि पर्याप्त खिलाड़ी हैं तो उन्होंने जारी रखा अब से मेरे पास आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है लेकिन इसे पूरा करने से पहले आपको एक गोपनीयता अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा यदि आप हस्ताक्षर नहीं करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और मैं एक प्रतिस्थापन ढूंढूंगा यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो अभी पूछें एक गोपनीयता अनुबंध गिड लीडर क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम किस तरह का काम करेंगे जब अथर्व ने एक गोपनीयता अनुबंध का उल्लेख किया तो हर कोई एक पल के लिए हड़कंप मच गया वे सभी गहराई से उत्सुक थे कि अथर्व ने उनके लिए क्या रखा है और भीड़ के बीच एक भी खिलाड़ी ने चुनौती से दूर रहने का कोई संकेत नहीं दिखाया मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि स्वर्ग के दफ़न ने हमारे गिल्ड को हाल ही में काफी परेशानी का कारण बना दिया है मेरे पास तुम्हारे लिए जो कार्य है वह बहुत सरल है तुम स्वर्ग की कब्रगाह को नष्ट कर दोगे जब अथर्व ने बोलना समाप्त किया बैठक कक्ष में सन्नाटा पसर गया स्वर्ग का दफन कई राज्यों और साम्राज्यों में दोपहर के सूरज की तरह चमक गया जो ओआरसी साम्राज्य के पड़ोसी थे इसने न केवल कई कार्यशालाओं और साहसी टीमों को अपने कब्जे में लिया था बल्कि इसने प्राचीन रॉक सिटी पर भी कब्जा कर लिया था अब गिल्ड के पास सुपरफर्स्टरेट गिल्ड के रूप में लगभग समग्र शक्ति थी हालांकि जीरो विन भी शक्तिशाली था और इसमें बड़ी विकास क्षमता थी यह स्वर्ग के दफन के रूप में शक्तिशाली नहीं था जिसकी अपनी ताकत और प्रमुख निगमों का समर्थन दोनों था वास्तव में जीरो विंग के सदस्यों के रूप में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी गिल्ड के खिलाफ लंबी कठिन लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया था फिर भी अथर्व चाहता था कि वे स्वर्ग की कब्र को नष्ट कर दें उन्होंने घोषणा भी की थी जैसे कि यह स्वाभाविक मामला हो एक पल के लिए उन्हें लगा कि कहीं अथर्व पागल तो नहीं हो गया है हालांकि वे यह जानकर कि अथर्व ने उन्हें इस कार्य के लिए चुना है लड़ने की भावना से जल उठे बिना नहीं रह सके स्वर्ग के दफन से वे कमीने हमेशा एक आंख की किरकिरी रहे हैं गिर्ड लीडर बस हमें बताएं कि हमें क्या करना है हम अंत में स्वर्ग के दफन के साथ एक वास्तविक लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार हैं मैं लंबे समय से इसे स्वर्ग के दफन के साथ बाहर निकालने का इंतजार कर रहा हूं कायर तो सिर्फ मारना और भागना जानते हैं अगर मौका दिया गया तो मैं उन्हें तब तक पीटूंगा जब तक कि उनकी माताएं भी उन्हें पहचान नहीं लेती अथर्व को देखते ही सभी का खून खोल उठा स्वर्ग के दफन के लिए उनकी नफरत कोई नई बात नहीं थी दरअसल गिड़ की बेशर्म चालों की वजह से ही नफरत बढ़ी थी ठीक है चूंकि आप में से किसी के पास कोई समस्या नहीं है इन गोपनीयता अनुबंधों पर हस्ताक्षर करें अथर्व ने ठेका देने से पहले संतोष में सिर हिलाया जब खिलाड़ी गोपनीयता अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं तो वे भगवान के डोमेन में लॉग इन करते समय प्रासंगिक जानकारी पर चर्चा नहीं कर पाएंगे यद्यपि मुख्य देव प्रणाली वास्तविक दुनिया में जानकारी को विनियमित नहीं कर सकती थी अगर किसी को वास्तविक दुनिया में उनके अनुबंध का उल्लंघन करने का सबूत मिलता है तो वे सबूत को मुख्य देव प्रणाली को सौंप सकते हैं यदि सबूत वैध थे तो खिलाड़ी को उनकी योग्य सजा मिलेगी जिसकी गंभीरता अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करेगी अथर्व विजेता के कवच के युद्धव्यूह को गुप्त रखना चाहता था हालांकि गॉड्स डोमेन की विभिन्न शक्तियां और खिलाड़ी अंतः युद्ध की विभरचनाएं खोजने के लिए बाध्य थे वह कवच को गिड़ के तुरूप के पत्तों में से एक के रूप में आरक्षित करना चाहता था बाद में विभिन्न प्रमुख शक्तियों ने युद्ध सरणियों की खोज की बेहतर गोपनीयता अनुबंध को तोड़ने के लिए अथर्व ने जो जुर्माना लगाया था वह असामान्य नहीं था कोई भी खिलाड़ी जिसने इसका उल्लंघन किया उसका खाता स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा सामान्य तौर पर गिल्ड्स ने एक परिणाम चुना जो खिलाड़ियों को भगवान के डोमेन से स्थायी रूप से रोक देगा यदि उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्यों के संबंध में गोपनीयता अनुबंध का उल्लंघन किया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि खिलाड़ी अपने खाते हटा दें वे कभी भी वापस लॉग इन नहीं कर पाएंगे इसलिए गिल्ड के मुख्य रहस्य अक्सर अतीत में लीक नहीं हुए थे ऐसा करने के परिणाम उन खिलाड़ियों के लिए विनाशकारी होंगे जो गॉड्स डोमेन की जीवन शैली के साथ सहज हो गए थे खेल तक स्थायी रूप से पहुंच खोना मौत से ज्यादा सजा थी यह उन खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से सच था जिन्होंने अपने गिल्ड के मूल रहस्यों तक पहुंच अर्जित की थी बेशक ऐसे खिलाड़ी होने के लिए बाध्य थे जो खगोलीय कीमत की पेशकश करने पर जोखिम उठाएंगे एक बार जब डार्क गॉड्स लीजन के एक सौ प्लेट कवच खिलाड़ियों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो अथर्व ने अपने बैग से एक के बाद एक विजेता के कवच खींचे जबकि एक बार रोज़ ने आवश्यक खिलाड़ियों को इकट्ठा किया था अथर्व ने विजेता के कवच के चार और टुकड़े सफलतापूर्वक बनाए थे इन चार टुकड़ों में से एक बेहतर विजेता का कवच भी था इसने गिनती को बेहतर टुकड़ों तक बढ़ा दिया बस पांच मैन पार्टी के लिए बेसिक स्ट्रेंथ बैटल एरे को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त था क्या यहां बहुत सारे लेवल पचास फाइन गोल्ड इक्विपमेंट हैं। रुको गुनों को देखो वे पागल हैं यह बेसिक स्ट्रेंथ बैटल एरे अद्भुत है यह मूल रूप से एक मिनी निडर कौशल है इसके अलावा इसमें कूल डाउन नहीं है और प्रति पांच मिनट में केवल एक मैजिक क्रिस्टल खर्च होता है यह तब तक बना रह सकता है जब तक खिलाड़ियों का स्टेमिना खत्म नहीं हो जाता अथर्व द्वारा प्रकट किए गए एक सौ सीने के टुकड़े से हर कोई चकित रह गया वे अक्सर स्तर पचास से अधिक के नक्शों में पीसते थे इसलिए उन्हें पता था कि स्तर पचास उपकरण प्राप्त करना कितना मुश्किल था यहां तक कि मिस्टीरियस आयरन इक्विपमेंट भी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था सीक्रेट सिल्वर रैंक तो दूर की बात है लेवल पचास मिस्टीरियस आयरन इक्विपमेंट के बेसिक एट्रीब्यूट्स आसानी से लेवल पैंतालीस फाइनगोल्ड इक्विपमेंट के प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं और लेवल 50 इक्विपमेंट निचले स्तर के इक्विपमेंट की तुलना में उच्च रक्षा प्रदान करते हैं हालांकि सुपीरियर डिफेंस को संख्यात्मक मान में प्रदर्शित नहीं किया गया था बल्कि यह प्रभाव न्यूनीकरण के रूप में आया जब गॉड्स डोमेन में खिलाड़ियों पर हमला किया गया तो कई बार प्रभाव ने उनके रुख को बाधित कर दिया जिससे उनके बचाव में खामियों का पता चला क्षति में कमी के अलावा एक खिलाड़ी की रक्षा हमले से होने वाले प्रभाव के कुछ यदि सभी नहीं को भी कम कर सकती है इस प्रकार लेवल 45 फाइन गोल्ड इक्विपमेंट और लेवल 50 मिस्टीरियस आयरन इक्विपमेंट के बीच निर्णय लेते समय खिलाड़ी आमतौर पर बाद वाले को चुनते हैं भले ही पूर्व में मजबूत स्किल्स हों कहने की जरूरत नहीं है यहां तक कि लेवल 45 टॉप टॉप्टियर डार्क गोल्ड इक्विपमेंट की तुलना लेवल पचास गोल्ड इक्विपमेंट से नहीं की जा सकती दुर्भाग्य से ऐसे उपकरण प्राप्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण था लेवल पचास एक सॉप मैन हेल टीम दंग पर छापा मारने पर भी कवच के पास केवल गिरने का मौका था इसकी गारंटी नहीं थी फिर भी अथर्व ने ऐसे उपकरणों के केवल एक सौ टुकड़े उनके सामने रखे थे इसके अलावा विजेता के कवच में बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए एक शानदार कौशल था डार्क गॉड्स लीजन के इन खिलाड़ियों में से हर एक को ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे हों उनमें से केवल कुछ के पास लेवल 50 डार्क गोल्ड इक्विपमेंट था जबकि उनमें से ज़्यादातर अभी भी लेवल 45 डार्क गोल्ड इक्विपमेंट या लेवल 50 मिस्टीरियस आयरन और सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट के संयोजन का इस्तेमाल करते थे यहां तक कि पहले दर्जे के गेड में भी उनके उपकरण केवल उन लोगों के बाद दूसरे स्थान पर होंगे जिन्होंने एतिक उपकरण पहने थे इन खिलाड़ियों के हौसले के जवाब में अथर्व बस मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया इन सभी खिलाड़ियों की निगाहें केवल विजेता के कवच की मूल विशेषताओं पर थीं उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि फाइन गोल्ड रैंक वाले विजेता का कवच लेवल साठ डार्क गोल्ड इक्विपमेंट से भी अधिक मूल्यवान था मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक छाती के टुकड़ों में से एक का चयन करें फिर मैं आपको पांच के बीस दलों में बांट दूंगा प्रत्येक पार्टी एक मरहम लगाने वाले को लेगी और चार उच्च संसाधन मानचित्रों पर जाएगी जहां हमने अपने गिल्ड सदस्यों को पीसने के लिए भेजा है मुझे स्वर्ग के दफन और ब्लैकवाटर के सदस्यों की खोज जारी रखने के लिए आप सभी की आवश्यकता है यदि आप एक सौ या उससे कम का समूह पाते हैं तो उन सभी को मार डालें यदि दुश्मन आपकी टीम को संख्याओं से भर देता है या चोटी के विशेषज्ञ उनकी टीमों में हैं तो क्षेत्र के लिए जिम्मेदार कमांडरों को सूचित करें फिर आपको सुदृढ़ीकरण भेजें अगर ऐसा है तो आपको बस दुश्मन पर नज़र रखने की जरूरत है यदि वे आपका पीछा करते हैं तो उन्हें पतंग उड़ाने की कोशिश करें और सुदृढ़ीकरण के साथ फिर से इकट्ठा हो अथर्व ने अपने कार्य के विवरण को सख्ती से समझाया क्योंकि वह उसके सामने खिलाड़ियों को देखता है डार्क गॉड्स लीजन के सदस्य छह मैन पार्टियों में चलते हैं वे तेज़ी से और चुपके से आगे बढ़ सकते हैं हालांकि इन डार्क गॉड्स लीजन सदस्यों को 100 मैन टीमों के बजाय 6 मैन पार्टियों में विभाजित करने से लीजन की लड़ाकू शक्ति सीमित हो जाएगी छोटे दल अपने दुश्मनों के लिए कम खतरे की तरह प्रतीत होंगे इससे डार्क गॉड्स लीजन के सदस्यों के लिए दुश्मन का पता लगाने से बचना आसान हो जाएगा जब अथर्व चुप हो गया तो मीटिंग रूम में हर कोई अवाक रह गया उन्होंने यह भी सोचा कि क्या उन्होंने गलत सुना है अथर्व वास्तव में चाहता था कि वे हेवंस बरियल की 100 मैन टीमों का मुकाबला करने के लिए छैक मैन पार्टियां बनाएं यदि वे सामान्य 100 सदस्यीय टीमों को निशाना बनाते तो वे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होते लेकिन हेवंस बरियल की टीमें कुछ भी लेकिन साधारण थीं प्रत्येक टीम का नेतृत्व आमतौर पर दर्जनों विशेषज्ञ करते थे अगर उन्होंने ऐसी ताकत पर हमला किया होता तो वे लड़ाई शुरू न करके आत्महत्या का प्रयास कर रहे होते आराम करना मैं तुम्हारी किसी भी मौत की जिम्मेदारी लूंगा अथर्व अपने फैसले को लेकर इन खिलाड़ियों की उलझन देख सकता था हालांकि वह बस मुस्कुराया और कहा या आप में इस तरह के कार्य के लिए साहस नहीं है तो क्या हुआ अगर ये एक सौ आदमी दल स्वर्ग के दफन से हैं गिड लीडर बस आप रुकिए। भले ही हम उन सभी को न मारें हम निश्चित रूप से उन्हें कष्ट देंगे शुरुआत में चिंता ने सभी के दिलों को जकड़ लिया था लेकिन अथर्व के इस तरह कहने के बाद उनमें लड़ाई का जज्बा फिर से जगमगाने लगा जैसा कि अथर्व ने निहित किया था अगर वे ऐसा करने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं होते तो वे खुद को विशेषज्ञ कहना बंद कर सकते थे अच्छा इसके अलावा सबसे ज्यादा हत्याओं वाले तीन दलों को बड़ी संख्या में जीसीपी प्राप्त होंगे और एक उन्नत लड़ाकू तकनीक सीखने का अवसर मिलेगा आप अवसर अर्जित करते हैं या नहीं यह आपके प्रयास पर निर्भर करेगा अथर्व ने कहा सभी के उत्साह पर स्वीकृति में सिर हिलाते हुए चार उच्च संसाधन मानचित्रों पर भेजने से पहले उन्होंने तुरंत अपने खिलाड़ियों को पार्टियों में संगठित किया जब उन्होंने सुना कि वे एक उन्नत लड़ाकू तकनीक सीखने में सक्षम हो सकते हैं तो ये खिलाड़ी उनके बढ़ते उत्साह को कम नहीं कर सके उन्नत लड़ाकू तकनीकें गिल्ड के मुख्य रहस्य थे किसी एक को सीखने का अवसर अर्जित करना बेहद कठिन था आम तौर पर उनके पास केवल अवसर अर्जित करने का अवसर होता था यदि वे कुछ प्रभावशाली उपलब्धि हासिल करते थे या प्रशिक्षण के लिए गिल्ड द्वारा चुने जाते थे फिर भी उन्हें मारने की संख्या के लिए शीर्ष तीन में रैंक की आवश्यकता होती थी वे उत्साहित क्यों नहीं होंगे विजेता के कवच और बीस टीमों के साथ समाप्त होने के बाद अथर्व ने विघटन कवच की मरम्मत के लिए व्हाइट रिवर सिटी में सेलियोरा की लोहार की ओर अपना रास्ता बनाया विघटन कवच का अस्तित्व इस समय अथर्व को भारी सिरदर्द दे रहा था चूंकि वे अब विश्व शिखर सम्मेलन में नहीं थे इसलिए विघटन कवच की विघटन शक्ति का दमन अब नहीं हो रहा था इस बीच अनिष्ट शक्ति के एक हिस्से को दूर करने के साथ विघटनकारी कवच से लीक होने वाली विघटन शक्ति तेज हो गई थी नतीसतन विघटन शक्ति जिसने शुरू में केवल 50 परसेंट द्वारा अपने मूल गुणों को दबा दिया था अब उन्हें 60 परसेंट तक दबा दिया उसने विघटन कवच को दबाने वाली दुष्ट शक्ति को और अधिक लापरवाही से हटाने का साहस नहीं किया आखिरकार अगर उसने बुरी शक्ति को पूरी तरह से हटा दिया तो उसका दमन और भी मजबूत हो सकता है यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से उसका सर्वनाश हो जाएगा इसलिए एहतियात के तौर पर उन्होंने विघटन कवच के लिए कुछ और करने से पहले पहले सेलियोरा से मिलने का फैसला किया सेलियोरा के स्मिथि में पहुंचने पर चीजें हमेशा की तरह ही थीं आरामदायक लकड़ी के घर से पहले कोई मेहमान नहीं था उसमें से केवल ठोंकने की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी इस जगह में कुछ भी असामान्य नहीं था हालांकि जब अथर्व ने लोहार में कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से अलग दुनिया में आ गया हो स्मिथि के अंदर मैना घनत्व जीरो विंग सिटी से भी कहीं बेहतर था इस बीच इस समय सेलियोरा भट्टी गलाने वाली सामग्री के सामने खड़ा था सेलियोरा के कार्यों को देखकर अथर्व को यह स्वीकार करना पड़ा कि एक ग्रैंड मास्टर जालसांज वास्तव में एक मास्टर जालसाज से अलग था सामग्री को गलाने और परिष्कृत करते समय मास्टर फोर्जर्स आमतौर पर केवल आग की लपटों का उपयोग करते हैं हालांकि सेलियोरा वास्तव में आग की लपटों का उपयोग करके उन्हें परिष्कृत करने से पहले अपनी सामग्री में मैना की एक समुद्री मात्रा को भरने के लिए तीन गुना जादू सरणी को नियंत्रित कर रही थी जिससे उसकी सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि हुई इस बीच अथर्व के लोहार में प्रवेश को भांपते हुए सेलियोरा ने उस पर एक नजर डाली हालांकि सेलियोरा स्वयं एक युद्ध विशेषज्ञ एनपीसी नहीं थी फिर भी अथर्व को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि सेलियोरा ने उसकी ओर देखते हुए उसकी आत्मा को देखा ऐसा लगता है कि जब आप चले गए थे तब आप उस दुष्ट शक्ति को दूर करने के लिए किसी ईश्वर की शक्ति को खोजने में कामयाब रहे यह अफसोस की बात है कि आपने जो ईश्वर की शक्ति प्राप्त की थी वह उस दुष्ट शक्ति को पूरी तरह से हटाने के लिए बहुत कम थी सेलियोरा ने अथर्व को देखते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा उसने फिर मांग की ठीक है इसके साथ बाहर आप यहां क्यों आए हैं यदि आप अपनी उस विघटनकारी शक्ति को दबाने का उपाय खोज रहे हैं तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है इस समय आप केवल इतना ही कर सकते हैं कि परमेश्वर की पर्याप्त शक्ति को इकट्ठा करें और जितनी जल्दी हो सके उस बुरी शक्ति को हटा दें अन्यथा विघटन कवच आपको केवल और अधिक ओक्स को लुभाएगा जल्द ही इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किसी शहर के अंदर छिपे हैं क्योंकि वे ओक्स विघटन शक्ति के लिए अपने लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे अगर चीजें बहुत लंबे समय तक चलती हैं तो एनपीसी शहर भी ओक्स को रोक नहीं पाएंगे सेलियोरा की बातें सुनकर अथर्व चौंक गया उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विघटन कवच को दबाने वाली दुष्ट शक्ति के एक हिस्से को हटाने का इतना भयानक प्रभाव होगा अगर सेलियोरा ने जो कहा वह सच होता तो उसके पास वास्तव में कोई जगह नहीं होती कि वह भविष्य में छिप सके लेडी सेलियोरा क्या आपका मतलब यह है कि अगर मैं पर्याप्त ईश्वर की शक्ति इकट्ठा करने में कामयाब हो जाऊं तो मैं अपनी मौजूदा दुर्दशा से मुक्त हो सकूंगी अथर्व ने उत्सुकता से पूछा पहले जिस कारण से उन्होंने विघटन कवच के बारे में समस्या से निपटने के लिए जल्दी से चुना वह एक बीकन के रूप में सेवा करने वाला कवच था जो उत्परिवर्तित ओक्स को लुभाता था इस स्थिति ने उन्हें स्वतंत्र रूप से खेतों में कार्रवाई करने से रोक दिया अगर वह इस समस्या से नहीं निपट पाता तो वह भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाता ऐसा होना चाहिए आखिरकार विघटनकारी कवच का विघटन शक्ति को लीक करने का एकमात्र कारण इसकी चैनलिंग क्षमताओं का नुकसान है यदि विघटन कवच बनाने वाली सामग्री ठीक हो जाती है तो उन्हें इस विघटन शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए सेलियोरा ने कहा उसके स्वर में अनिश्चितता का संकेत सेलियोरा का स्पष्टीकरण सुनकर अथर्व ने राहत की सांस ली इसके बाद उन्होंने विघटन कवच को बाहर निकाला और इसे अपने बैग के अंदर भगवान के क्रिस्टल को अवशोषित कर लिया वहां का उन्नत गॉड क्रिस्टल और बेसिक गॉड क्रिस्टल बिखर गया और सुनहरी धुंध की धाराओं में तब्दील हो गया जो विघटन कवच में बह गया जब सुनहरी धुंध ने विघटन कवच को भर दिया तो कवच से पिचकाली ऊर्जा की धाराएं बहने लगी जब सिलियोरा ने इस घोरकाली ऊर्जा को अपने आसपास गलते हुए देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सकी और उसने अपने घर के अंदर स्थापित जादुई सरणी को जल्दी से सक्रिय कर दिया जादू की सरणी ने तुरंत पिचकाली ऊर्जा को दबाना शुरू कर दिया इसकी संक्षारक क्षमताओं को कम कर दिया हालांकि पिचब्लैक एनर्जी की संक्षारक क्षमताओं को दबा दिया गया था ऊर्जा ने गायब होने के कोई संकेत नहीं दिखाए इसके बजाय यह वास्तव में संघनित होने लगा पांच सेकंड बीतने के बाद धुंध जैसी ऊर्जा एक पिच ब्लैक एनर्जी बीड में बदल गई जो एक भयानक आभा को छोड़ते हुए मध्य हवा में चुपचाप मंडराती रही क्या बात है अथर्व अवर्णनीय रूप से चौंक गया क्योंकि उसने अपने सामने पिच ब्लैक एनर्जी बीड को देखा मनके से निकलने वाली आभा ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे किसी विशाल जानवर ने उसके सामने अपना खूनी मुंह खोल दिया हो इस समय वह अपने शरीर को जरा सा भी नहीं हिला पा रहा था और असहाय होकर केवल ऊर्जा मन का देख रहा था ब्लैक एनर्जी बीड के अलावा डिसइंटीग्रेशन आर्मर में भी एक बदलाव आया था जिसे उन्होंने टेबल पर रखा था मानो कवच ने ही जीवन प्राप्त कर लिया हो अथर्व स्पष्ट रूप से उसमें से जीवन शक्ति का उछाल महसूस कर सकता था एक निर्जीव वस्तु के बजाय उसके सामने विघटन कवच को ऐसा लगा जैसे यह किसी प्रकार का जीव रूप था जैसे ही दुष्ट शक्ति ने विघटन कवच को दागदार नहीं किया कवच की सतह को कवर करने वाले जादू सर्किट ने एक चमकदार चमक जारी की घर में तेज़ रोशनी होने के अलावा घर के अंदर का मैना भी जम गया था अथर्व अभी मन के ज़रा भी प्रवाह को महसूस नहीं कर सका हालांकि यह स्थिति कुछ ही सेकंड के लिए बनी रही जिसके बाद पूरा घर अपनी सामान्य स्थिति में आ गया विघटन कवच के रूप में यह ऐसा था जैसे कवच को अभी अभी पूर्ण रूप से बदला गया हो कवच के बाहरी रूप और आभा दोनों में काफी बदलाव आया था पत्थर की मेज़ के ऊपर बैठे कवच के बावजूद इसने एक ऐसी शक्ति का संचार किया जिसने अथर्व की आत्मा को भी भयभीत कर दिया वास्तव में विघटन कवच जिस पत्थर की मेज़ पर बैठा था वह भी बिखरने लगी थी कवच की शक्ति का सामना करने में असमर्थ तो यह विघटन कवच की मूल शक्ति है अथर्व के पास शब्दों की कमी थी क्योंकि उसने पत्थर की मेज को नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से सड़ते हुए देखा यह ज्ञात होना चाहिए कि सेलियोरा एक सदाशयी ग्रैंडमास्टर जालसाज था हालांकि उसके घर के अंदर रखा फर्नीचर सामान्य दिखाई देता था वास्तव में वह वा मामले से बहुत दूर था वास्तव में उसके सामने पत्थर की मेज़ भी असाधारण मूल की थी अथर्व जो बता सका टेबल फायर एसेंस स्टोन से बनी होनी चाहिए फायर एसेंस स्टोन न केवल अतुलनीय रूप से कठिन था बल्कि यह गॉड्स डोमेन में शीर्ष स्तरीय मैजिक रेजिस्टेंस सामग्रियों में से एक था फिर भी अब यह वास्तव में कवच के निष्क्रिय अवस्था में होने के बावजूद विघटन कवच की शक्ति का सामना नहीं कर सका यह अकल्पनीय था हालांकि इससे पहले की पत्थर की मेज पूरी तरह से बिखर पाती सेलियोरा ने जल्दी से अपनी चाल चली उसके सामने दिव्य रनों की पंक्ति के बाद पंक्ति दिखाई दी एक क्षण बाद विघटन कवच के चारों ओर एक चार गुना जादू की सरणी बन गई जादू की सरणी के आगमन के साथ पत्थर की मेज बिखरना बंद हो गई हालांकि जादू की सरणी ने लगातार कर्कश ध्वनि उत्पन्न की एक संकेत है कि यह विघटन कवच की शक्ति का सामना नहीं कर सका अद्भुत वास्तव में आश्चर्यजनक यहां तक कि एक चौगुना शून्य जादू सरणी भी इस चीज को समाहित करने में सक्षम नहीं है महान औक सम्राट द्वारा बनाई गई एक पौराणिक कलाकृति की अपेक्षा के अनुरूप सिलियोरा की आंखों में चमक आ गई जब उसने अपने ढहते जादू के व्यूह को देखा इस समय ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें अभी अभी एक पूरी नई दुनिया के लिए खुली हों इस बीच अथर्व काफ़ी चौंक गया क्योंकि उसने बिखरती चौगुनी जादू की सरणी को देखा एक चौगुना जादू सरणी वह एक जादुई सरणी थी जिसे पौराणिक राक्षस भी नष्ट नहीं कर सकते थे फिर भी अपनी निष्क्रिय अवस्था में उपकरण का एक टुकड़ा ऐसी जादुई सरणी को नष्ट कर रहा था यह कोई आश्चर्य नहीं था कि विघटन सेट को भगवान के डोमेन में नौ महान पौराणिक सेटों में से एक माना जाता था विघटन कवच के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद इसमें अभी भी ऐसी भयावह क्षमताएं थीं कोई केवल कल्पना कर सकता है कि ओआरसी साम्राज्य के संस्थापक सम्राट कितने शक्तिशाली थे जब उन्होंने पूर्ण विघटन सेट पहना था इसके आधार पर संस्थापक सम्राट के देवताओं के खिलाफ लड़ने की किंवदंतियां अतिशुक्ति नहीं थीं मेरे पास इस विघटन कवच को जारी करने वाली शक्ति को दबाने की क्षमता नहीं है क्या आप इस कवच को दूर ले जाना चाहते हैं या मुझे इसे अभी आपके लिए फिर से तैयार करने दें सेलियोरा ने अथर्व को देखते हुए मुस्कराते हुए पूछा इसे दूर ले जाए अथर्व फूट फूट कर मुस्कुराया यदि सेलियोरा विघटन कवच की शक्ति को दबा नहीं सका तो वह मूर्ख होगा यदि उसने एक सेकंड के लिए भी सोचा कि वह कर सकता है उसने तुरंत जवाब दिया फिर मुझे लेडी सेलियोरा को परेशान करना होगा